धड़ाधड़ बिक रहा है ये रिकॉर्ड। डायरेक्टर कह रहा था अगर इतनी मांग रही तो एक हफ्ते में 5,000 रिकॉर्ड बिक जाएंगे। अब तो ऐसे ही होगा, तेरी धुनें बनती रहेंगी, मैं गाता रहूंगा, रिकॉर्ड बनते रहेंगे, बिकते रहेंगे, और फिर दौलत, शोहरत, इज्जत। यार अर्शद, 5,000 रिकॉर्डों की रॉयल्टी कितनी हुई? हिसाब अपने बस की बात नहीं। अरे जा, मैं बताता हूँ तुझे। 5,000 को 10 से ज़रब दिया, 50,000, उसे 10% तकसीम किया, 5,000, दो महीने की आमदनी 5,000, एक महीने की कितनी हुई? नदीम बेटे, नाश्ता कर ले बेटे। रुक जाओ, हिलना मत। ये क्या, मेरी माँ और फटी हुई साड़ी? तुम किसी फटीचर की माँ नहीं हो, माँ एक बहुत बड़े फनकार की माँ हो, जिसकी महाना आमदनी कम से कम 2,500 रुपए महीने। खुदा वो दिन लाए बेटा। वो दिन आ गया है माँ। अर्शद बता ना माँ को, मेरी प्यारी प्यारी माँ, अब तुम्हारी, अर्शद की और मेरी जिंदगी में जबरदस्त इंकलाब आने वाला है। ये तुम्हारी खाली कलाइयां है ना, इनमें यहाँ से लेके यहाँ तक सोने की चूड़ियां होंगी, और ये तुम्हारे कान है ना कान, इसमें हीरे की आवेज है, तुम देखना तो सही माँ। मुझे दौलत नहीं चाहिए। अरे हाँ, ये नासिर का खत फिर आ गया। इस नासिर का तो दिमाग खराब हो गया है। ये नासिर वही तुम्हारा क्रैक वाला कजिन ना? जी, ये इनका 18वां खत है। पढ़ तो ले बेटा, इसमें लिखा क्या है? जी पढ़ता हूँ, सुनिए। लिखते हैं, माय डियर नदीम, खुदारा यहाँ आने का प्रोग्राम बनाओ, वरना मुझे एक्सप्रेस टेलीग्राम दे दो, क्योंकि मैंने अब यहाँ की सबसे ऊंची चट्टान दरियाफ्त कर ली है, ताकि उससे छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं। फकत तुम्हारा नासिर। आखिर ये सब चक्कर क्या है? चक्कर माँ, तुम मत सुनो, ये कोई इश्क मोहब्बत का चक्कर है। माँ, ये हमसाए बड़े बेतकल्लुफ होते जा रहे हैं। अरे नहीं, ये तो मेरी बेटी है। नासिर इतना बुला रहा है, आखिर तू चला क्यों नहीं जाता? वो तो पागल हो गया, मैं कोई पागलों का डॉक्टर हूँ, और फिर तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जो आपका ख्याल है कि आंटी सिर्फ आप ही की माँ है और हमारी कुछ नहीं है। अरे नहीं, मेरे तो तुम दोनों ही बेटे हो। सुनिए आपने, अब आप अपना बोलिया बिस्तर उठा के चल दीजिए, और मैं यहाँ आपके लिए नई धुने बनाता हूँ, ठीक है ना आंटी? आपका क्या ख्याल है मैडम? आप जाइए। कहाँ? पहाड़ पर गए। साहब ये है मेरा गाड़ी। क्या थे? मगर पैसे कितने होंगे दोस्त? 20 रुपए होंगे, लेकिन एडवांस में लूंगा। अच्छा भाई, जैसे आपकी मर्जी। हाँ ये लो। आप बैठिए, मैं जरा चाबी भूल के आ गया, अभी लेकर आया, 2 मिनट में। बैठिए बैठिए। हाँ ले आओ। कहाँ चली आन? ये गाड़ी बुक हो चुकी है, कोई और बंदोबस्त कीजिए। आप अगर खैरियत चाहती हैं तो फौरन गाड़ी से नीचे उतर आ, वरना बुलाती हूँ अभी पुलिस को। बुलाइए पुलिस को, 20 रुपए के करारे करारे नोट दिए हैं इस गाड़ी के। ये 20,000 रुपए की गाड़ी है मिस्टर, कोई चाबी की मोटर नहीं। जरा अच्छी तरह आँखें खोल कर देखिए, ये किराए की गाड़ी नहीं है, इसकी मालिक मैं हूँ। इसका सबूत? आप कौन होते हैं सबूत मांगने वाले? एक तो चोरी, ऊपर से छीना चोरी। ये देखिए मेरा पर्स, और ये देखिए 2 जूते मेरे हैं, और ये रही गाड़ी की चाबी। अब क्या ख्याल है आपका? गाड़ी भी आप ही की होगी, मगर हद हो गई, मैंने उसे 20 रुपए दिए थे, आखिर वो कौन था आपका? देखिए बदतमीजी की हद होती है। चलिए सूटकेस उठाइए अपना, जल्दी कीजिए। जल्दी ना कीजिए, मुझे जरा सोचने का मौका दे दीजिए। आप नजरों ने वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो।
आई ये बेचैनी ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी, कोई देखे ये तन्हाई ये बेचैनी ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी, मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। हंसी आई चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई, मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई, मेरी हालत पे हंसते हो बड़े संदिल हो, बड़े संदिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। तेरे की मेरे पास स्पेयर टायर भी नहीं है। ए मिस्टर, ये सड़क आराम फरमाने के लिए नहीं है। आराम कौन कम्बख्त फरमा रहा है? आप यहाँ पहुँच कैसे गए? हटिए रास्ते से। अच्छा, तो अब आप एक्टिंग फरमा रहे हैं। ठीक है मोहतरमा, आपके पास तो गाड़ी, आप क्या जाने पैदल चलने वालों को कितनी ठोकरें खानी पड़ती है। आपको रास्ता चाहिए, आप अपनी गाड़ी मुझ पे से गुजार के ले जाइए। देखिए ऐसा कीजिए, मुझे सामने उस घड़े तक पहुंचा दीजिए और मुझ पे एक पत्थर डाल दीजिए, मैं वहाँ लेट कर आराम से मर सकूंगा। ऐसा न कहिए, क्या वाकई आपको चोट आई है? नहीं, एक्टिंग कर रहा हूँ। आइए मैं आपको सहारा दे दूँ। सहारा? आप मुझे सहारा देंगी? चलिए, खुदा आपका भला करे, चलिए ना। मेरा सूट के मिनट।
कौन थी? एक लड़की। मगर तू इससे क्यों लड़ रहा था? किराया नहीं देता क्या? यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है, हर महीने सबसे पहले किराया अदा करता है। तो फिर किराया वसूल कर और मौज कर। मालूम होता है अब हुजूर के खून का असर तुमने भी है, नसीहत करते हो कराची लौट जाओ। मुझे भूख लगी है, बकवास बंद कर। भूख लगी मैं भी खाऊंगा। अभी ये सब क्या है? ये है कसरे नासिर उर्फ नासिर लाज। इतनी बड़ी जायदाद छोड़कर तू इस झोपड़े में क्यों रहता है? इसलिए कि मैंने अब्बा हुजूर की जायदाद को डाइवोर्स और तलाक दे दी। अरे उधर से नहीं, ये है दरवाजा। खाना भी खुद ही पकाता है? बर्तन भी खुद धोता हूँ, आलू भी छीलता हूँ, टमाटर भी काटता हूँ। मर गए। खिलाया भाई क्या पकाया है? तो आओ डाइनिंग रूम में। अच्छा ये बता, तूने मुझे बुलाया क्यों? नदीम, अब्बा हुजूर ने दौलत और जायदाद देकर मुझे अपाहज और नाकारा बना दिया है। मैंने कहा मैं बैरिस्टर बनना चाहता हूँ, कहने लगे नहीं। मैंने कहा मैं डॉक्टर बन जाऊँ, कहने लगे नहीं। मैंने कहा मुझे प्रोफेसर ही बन जाने दीजिए, कहने लगे नहीं। और भैया मैं ना बैरिस्टर ना डॉक्टर ना प्रोफेसर ना मास्टर ना एक्टर ना लीडर कुछ भी ना बन सका। तो मैं क्या करूँ? मैंने अब्बा हुजूर की जायदाद से एक एक आदमी को चुन चुन के बाहर निकाल दिया है। बस एक किरायेदार मेरी जान को चिचड़ी की तरह चिमट गया, खुदा के वास्ते उसे भी बाहर निकाल दो। और तूने इस काम के लिए मुझे कराची से बुलाया? हाँ। अच्छा जा मेरा सामान उठा और किसी ठीक ठाक कमरे में रखना, यहाँ नहीं रहूंगा मैं। इस बेडरूम में नहीं सोऊंगा। नहीं नहीं। ये दवाई पीजिए। हम दवा नहीं पियेंगे अब्बा जान, पहले आप ये बताइए आप हमारे रिकॉर्ड लाए हैं या नहीं। हाँ रिकॉर्ड लेके आया हूँ, ये लीजिए। मगर ये आप कौन सा रिकॉर्ड उठा लाए? ये हमें बहुत पसंद है बेटी। दुनिया में हो दुनिया का तलब गैर नहीं हो। नहीं ये तुम फिर छोड़ गई। अब्बा जान क्या वाकई इससे शेर मर जाता है? बेटे ये निशाने पर मुनहसर है। आपका निशाना कैसा है? हाँ हमारा निशाना पहले तो बहुत अच्छा होता था, मगर अब जाने हमारे निशाने को क्या हो गया है। या फिर ये है कि जंगल के जानवर कुछ ज्यादा चालाक हो गए। नाहिद ये तुम फिर छोड़ गई। आप भी खूब है अब्बा जान, कल से शतरंज की बाजी उसी तरह बिछी हुई है। मिर्जा साहब आएंगे तो क्या कहेंगे? बेटी ने बाप को मार दे दी। हाँ ये कैसे हो सकता साहब? देख लीजिए आप कल से छोटी सी टाल मोलझे रहे। आप देखिए मैं अभी आपको मार दिए देता हूँ। फूल तोड़ोगे तो पत्थर नहीं तो क्या फूल मारोगे? अरे मालिक मालिक छोड़ो। क्या हो रहा है? इनसे मेरा तारुफ तो करा ले। अरे शानू ये मेरे रिश्तेदार हैं। फिर तो गलती हो गई बाबूजी। माफी मांग। पहले तुम कान छोड़ो। करके हंसना तो बहुत आता है पर बूढ़े बाप पर तरस नहीं आता है। ओहो पर तुम्हें किसने कहा था रोटी पकाने को? उठो यहाँ से, उठो। बाबा ये आटे का क्या कर दिया है? भूख लगे, तू ना हो तो बता मैं क्या करूं। अच्छा बाबा तुम हुक्का पियो, मैंने यूं आटा गूंदा और यूं रोटी पकाई। अच्छा जल्दी कर। क्या सारा आटा जमीन पर फेंक दिया? जमीन पर कहाँ गिरा है, मुझ पर गिर गया। कैसे गिर गया? वो जो तुमने कच्ची रस्सी से तख्ता बांधा था ना बाबा, रस्सी टूट गई, तख्ता टेढ़ा हो गया, डब्बा फिसला और सारा आटा मुझ पर गिर गया। अपना कसूर और इल्जाम दूसरों पर ला मैं समेट दूं। तुम रहने दो बाबा, बस मैं आटा उठाकर यूं रोटी पका कर लाती हूँ। कहीं छत ना गिरा देना। हम्म,
छोड़ कर। अरे कौन है? मैं हूँ बाबू, शानू। शानू, तू कहाँ से आ गई? खिड़की से। ये दरवाजा किस लिए है? दरवाजे से क्यों नहीं आई? दरवाजे से आने में तो बाबू पहले घर से निकलती, फिर पगडंडी पर चढ़ती, और फिर बागीचे की दीवार का चक्कर लगाती, मैदान पार करती, दरवाजा खटखटाती, और फिर न जाने तुम दरवाजा खोलते भी या नहीं। अच्छा ये बता तू आई क्यों? बात तो सुनो बाबू। बोल। तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना, मैं गुलदस्ता बनाकर लाई हूँ। सामने गुलदान में लगा दे। तुम मुझे माफ नहीं करोगे बाबू? गुलेल तो मैंने तोड़ के फेंक भी दी बाबू, और फूल के बजाय गुलदस्ता ले आई हूँ, माफ कर दो ना। तेरा गुलदस्ता मेरी चोट का इलाज नहीं। अच्छा तो फिर बदला ले लो, मारो ना। तेरी सजा ये है कि जब तक मैं यहाँ रहूँ तू रोज मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाएगी। बस इतनी सी सजा? अरे बाबू अगर तुम कहो ना तो मैं सारा कमरा फूलों से सजा दूं। अच्छा अब तू किसे? अच्छा ए यहाँ कहाँ जा रही? इधर ही से तो आई थी। बस एक बात सुन लीजिए। फरमाइए। मालूम होता है तकदीर ने हमारी राहें मिला दी। देखिए ना जहाँ मैं जाता हूँ आप वहीं चली आती। जी नहीं, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ आप पहले से मौजूद होते हैं। बहरहाल जब आप साथ होनी ही है तो कम से कम ये तो बता दीजिए कि आप हैं कौन। मेरा मतलब है आपके लिए मैं एक अजनबी हूँ। अजनबी ज़रा सोच लो, ऐसा न हो कल तन्हाइयों में फिर हम तुम्हें याद आए। अजनबी ज़रा सोच लो। ये हादसा भी कितना अजब है, राहों में दो दिल मिले, अजी राहों में दो दिल मिले। ये वाकया भी कितना गजब है, रूठ के तुम चल दिए, अजी रूठ के तुम चल दिए। हमने बुजुर्गों से है ये सुना, देखो बुरी बात है रूठना, आओ तुम्हें हम मनाए। अजनबी जरा सोच लो, ऐसा न हो कल तन्हाइयों में फिर हम तुम्हें याद आए। अजनबी जरा सोच लो। अदा है क्यों खूबसूरत, इतना हमें समझा भी दो, अजी इतना हमें समझा भी दो। मिलने की तुमसे क्या होगी सूरत, नाम पता बदला भी दो, अजी नाम पता बदला भी दो। लगता है हमको ऐसे सनम, साथी हो जैसे बरसों के हम, कैसे तुम्हें समझाएं। अजनबी जरा सोच लो, ऐसा न हो कल तन्हाइयों में फिर हम तुम्हें याद आए। अजनबी जरा सोच लो। अकेले न जाना हमें छोड़
जी अब्बा जान। अरे भाई तुम्हें कुछ हमारा ख्याल भी है या हर वक्त रिकॉर्ड ही सुना करती हो? आइंदा हम तुम्हारे लिए कोई रिकॉर्ड नहीं लेकर आएंगे। फिर हम भी आपसे नहीं बोलेंगे। सुबह की चाय पिलाई, नाश्ता कराया, कपड़े निकाल कर दिए, शिकार का सामान ला कर दिया, फिर भी आप हमसे खफा हैं। अच्छा साहब, बड़ा एहसान किया आपने। ये दो तीन कारतूस बेड में लगाओ। ये नदीम है ना जिसके तुम रिकॉर्ड सुना करती हो? जी। ये मेरा पुराना शागिर्द है, बड़ा जहीन लड़का था, चाहता तो बड़ा अफसर बन सकता था, मगर उसने अपने शौक को ही अपना पेशा बना लिया। देखना शायद मिर्जा साहब आए। जी। हाजिर हो सकता हूँ? कौन नदीम? आओ भाई आओ। गुजर रहा था आपके नाम की तख्ती देखी, सोचा सलाम करते चलूं। बहुत अच्छा किया तुमने। नाहिद, ये नदीम है जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये मेरी बेटी नाहिद है। मगर भाई तुम अजीब वक्त पर आए हो, मैं तो शिकार पर जा रहा हूँ। अमजद साहब, मिर्जा साहब आ गए। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। मुझे भी इजाजत दीजिए, फिर किसी वक्त आ जाऊंगा। अरे नहीं भाई, तुम बैठो, नाहिद इनके लिए कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। जी जी। खुदा खुदा हाफिज। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप वाकई नदीम हैं, तो फिर आपको शर्मिंदा होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि रेडियो का इतना अच्छा गाने वाला आम जिंदगी में इतने बेतुके गाने गाएगा, इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। और मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आप जैसी मॉडर्न लड़की मेरी संजीदा गजलों को अपना मेयार बना सकती। आप मेरे गानों से धोखा खा गई और मैं आपकी शख्सियत से। हिसाब बराबर? बराबर। अच्छा खुदा हाफिज। जी, आप शायद भूल गए, प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं, नदीम के लिए चाय वगैरह का इंतजाम करना, ना चाय ना वगैरह, और खुदा हाफिज। देखिए जनाब, आप हमारी कमजोरी से फायदा ना उठाएं। हम आपके गाने जरूर पसंद करते हैं, मगर मगर कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आज इस मर्दूत को फिर दौड़ा पड़। दरवाजा खोलो, उठाओ सामान, उठाओ जल्दी करो। देख क्या देखो, दरवाजा खोल, दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। चुप रह मर्दूत, कहीं का कमबख्त। दरवाजा खोल, खामोश है मर्दूत। अबे गिराज, तू फिर अंदर आ गया। याद रख, अगर तूने सामान को हाथ लगाया तो तेरा हाथ तोड़ दूँ। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं अब तुमसे किराया नहीं लूंगा। किराया नहीं लेगा? अब तुम लोग यहाँ फ्री रहोगे। सुनते हो, ये कोई नई चाल है? अच्छा, तुमने ये नई चाल चली है? अबे इस फ्लैट का किराया तो तेरा बाप भी लेगा। मैं नहीं लूंगा। तेरा बाप लेगा? मैं कहता हूँ नहीं लूंगा। मैं दूंगा, नहीं लूंगा, दूंगा, नहीं दूंगा। है मुकम्मल मरेगा। मर मैं अपने जालिम रिश्तेदारों से बचकर यहाँ हनीमून मनाने आया था, लेकिन इस मजदूर ने मेरे हनीमून का बेअदब कर दिया। मैं इसका किराएदार हूँ, लेकिन ये मुझसे किराया ही नहीं लेता। मैं किराया नहीं लूंगा। सुनिए मिस्टर साहब, यहाँ भी कह रहा है कि मैं किराया नहीं लूंगा। हाँ, मैं किराया नहीं लूंगा। खामोश, जंजाल है। मकानदार किराया वसूल करने के लिए किराएदार की पगड़ी उतार लेते हैं, मगर ये मालिक मकान निराला है। इंस्पेक्टर साहब, ये मैड हो गया है, इसके दिमाग के स्क्रू लूज हो गए हैं। अगर मैं मालिक के मकान हूँ तो क्या मुझे इतनी भी आजादी नहीं कि मैं अपने मकान का किराया न लूँ? और अगर मैं किराएदार हूँ तो क्या मुझे ये भी हक नहीं पहुँचता कि मैं किराया दूँ? खामोश, मैंने चोर देखे हैं, बदमाश देखे हैं, डाकू देखे हैं, खतरनाक मुजरिम देखे हैं, मगर नहीं देखा तो ऐसा आदमी जो कहता है कि मैं किराया नहीं लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये किसी तरह से आदमी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इनका दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनका दिल बदल गया है। इन्होंने मुझसे शादी करने का वादा किया था और अब अपने वादे से फिर। नहीं नहीं सीमी, मुझे गलत ना समझो, मैं तुम्हें 100% चाहता हूँ, मगर किराया नहीं लूंगा। मगर मैं किराया दूंगा। मैं किराया नहीं लूंगा। मैं किराया दूंगा। खामोश, आज तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा तुमने झगड़ा किया तो जमाने को भी नहीं छोड़ूंगा। सिपाही, खोल दो ताला।
जल्दी खोलो। मगर इंस्पेक्टर साहब को फरमाइए। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तकरीबन ऐन इस वक्त यानी 10 बजे ये तमाम दरख्त बेशुमार ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो सेहत के लिए बहुत मुफीद। मैंने सोचा आज तुम्हें भी टॉनिक का एक डोज दिलवा लूं। जी शुक्रिया, मैं यहाँ 20 दफा आ चुकी हूँ। अकेले आने में ये बात नहीं, मेरा जी चाह रहा है मैं तुम्हें खूबसूरत सा गाना सुनाऊं। ओह खुदा रहा ऐसा न कीजिएगा, आप अब तक जो दो गाने सुना चुके हैं ना वो मुझे जिंदगी भर के लिए काफी है। यानी तुम्हें मौसीकी से कोई लगाव नहीं? जी नहीं, मुझे मौसीकी से लगाव है, इसीलिए आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे जज्बात को ठेस ना पहुँचाए। किस सोच में पड़ गए? सोच रहा हूँ तुम्हारा हमारा गुजर कैसे होगा। बहुत अच्छा होगा, आपका अपने घर में और मेरा मेरे घर में। सुनाऊंगा बात तो सुनो। बैठो ना। दरवाजा खोलो। फिर आ गया वो अगन का बच्चा। अरे सूरज क्या देख रहे, उठाओ सामान समेटो। दरवाजा खोलो। अजूत खामोश हो जा। अरे क्या कर रहा हूं, दरवाजा खोलो। चुप। अजूत कहीं का दरवाजा तोड़ दूंगा। चुप। अबे ओ बेजान के बुद्ध, तू फिर आया? याद रख अगर तूने सामान को हाथ लगाया तो मेरे ठोकर मारूंगा। मैं यहाँ रंग करने आया हूँ। अबे तू तो हमेशा ही रंग में भंग डालता है कमबख्त। मैं यहाँ रंग करने आया हूँ। भाग जा यहाँ से, रंग वरना मैं तेरे दिमाग की स्क्रू ढीले कर दूंगा। यहाँ रंग होगा? आज यहाँ रंग नहीं होगा। अरे अरे पागल कहीं का है? अरे क्या कर रहा है कमबख्त? रंग खो कर रहेगा है? क्या गुस्सा मारेगा? मारूंगा। मार मार। पुलिस पुलिस। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। देखो निकला है। ओहो, ये तो इसके खाता है, मैं क्या खाता है? आखिर तू आंधी की तरह क्यों आती है? बाबू, वो मालिक को पकड़ कर ले गए। नासिर को? कौन पुलिस वाले? क्यों? वो टिड्डा खिलाता है ना, उसने पकड़वाया। मालिक तो मालिक होता है ना बाबू, उसका जहाँ जी चाहे रंग करे, दरवाजों पर शीशा था। अब तैयार हो जाओ ना बाबू। बाबू तुम्हारी कमीज़। पागल, एक नासिर पागल, एक तू पागल। मैं नहीं हूँ पागल। तू है पागल। मैं नहीं। भागती है कि नहीं? जाती हूँ। और इसने मेरे मुक्का मार दिया इंस्पेक्टर साहब, और मेरी आंख धस गई। मगर मैं पूछता हूँ कि वो कौन सा कानून है जिसकी रूह से मालिक के मकान अपने मकान में रंग नहीं कर सकता? वो कौन सा लॉ है जो एक ओनर को अपनी प्रॉपर्टी पर कलर और पेंट कराने से रोक सकता है? अबे ओ रंगसाज के बच्चे, रंग होता है दीवारों पर, कलर होता है दरवाजों पर, पेंट होता है खिड़कियों पर, लेकिन तूने तो एक भले चंगे आदमी का हुलिया बिगाड़ दिया। अबे तुझे हो क्या क्या है? हुजूर, मैं जब भी जरा मूड में आता हूँ ये कंबख्त रंग में भंग डाल देता है। खामोश, अब इसे मैं अपना रंग दिखाता हूँ। तुमने रंग बदलने कहाँ से सीखे है नासिर? साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम उसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं नहीं सिमी, ये तुमसे किस बेवकूफ ने कह दिया? मेरी जिंदगी की रंगीनी तो सिर्फ तुम हो। अगर तुम्हारे यही रंग ढंग रहे तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ऐसा ना कहो सिमी, मैं तो वो तो ये तो। इंस्पेक्टर साहब, ये है जी नासिर के बेल के कागजात। सिपाही दरवाजा खोल दो, आप इसे ले जा सकते हैं। खुदा के लिए मुझे यहीं रहने दो। चलिए। मैं अब्बा के बनाए हुए कमरे में दीवार खराब हो गया। मैं नहीं जाना चाहता। चुप कर। मुझे मैं नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाना चाहता। शुक्रिया। लेकिन ये दिलावर कौन है कमबख्त? यहाँ का बहुत बड़ा ठेकेदार है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। शादी तो तुमसे मैं भी करना चाहता हूँ सीमी। लेकिन कब? तुम्हें थाने के चक्रों से फुर्सत मिले तो तुम शादी करने की सोचो। मैं वादा करता हूँ सीमी कि अब उस कमबख्त किराएदार से कभी नहीं लड़ूंगा, लेकिन तुम भी वादा करो कि उस ठेकेदार से कभी नहीं मिलोगी। वादा? वादा? मुझे एक वादा। ये है ग्लोब सिनेमा और ये
इसके सामने वाली गली, इस गली में थोड़ी दूर। देखिए, आप नाहक कितनी तफसील में जा रहे हैं। यकीन मानिए, मेरा आपके घर आने का कोई प्रोग्राम नहीं। तो फिर पता क्यों पूछा था? गलती हो गई, आप खामोश बैठे थे, मुझे कोई बात नहीं सुझी। मैंने आपका पता ही पूछ लो, लेकिन आपने तो अच्छा खासा चेहरा बात करना शुरू कर दिया। अब माफ कर दीजिए। जा, माफ किया, लेकिन तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि तुम्हें मेरे घर आना होगा। जी, वो किस खुशी में? वो इस खुशी में कि मैं करीब डोली लेकर आने वाला। तो आपकी डोली बिल्कुल खाली वापस जाएगी। वो क्यों? हमारे डॉक्टर साहब ने अब्बा जान को हिदायत दी है कि जब तक मेरा वजन 120 पाउंड नहीं हो जाता, मेरी शादी नहीं हो सकती। और आपकी इत्तला के लिए, अभी मेरा वजन सिर्फ 105 पाउंड है। 105 पाउंड है? हाँ। देखने में तो तुम कौन कम है? कौन? कौन कम है? वजन कम है? अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। जाना वर। ये विटामिन ए, ये विटामिन बी, ये सी और ये डी ई एफ जी, और ये है खून बढ़ाने की दवा, ये वजन बढ़ाने की दवा, और ये हड्डियां मजबूत करने की दवा। अब एक एक खुराक सबकी पी लो, बल्कि सारी बोतल पी जाना। ये सब दवाएं तो मेरे पास भी मौजूद है, मगर मसला ये है कि मैं दवा नहीं पी सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं दवा पीती हूँ तो तय हो जाती है। तय हो जाती है? अरे मेरी खातिर पी लो, अपनी खातिर नहीं पीती तो, वरना कुंवारा ही मर जाऊंगा मैं। सॉरी। अच्छा, तरकीब नंबर दो। लो जी, ये खाओ, ये सेब खाओ, खाओ खाओ खाओ, और ये एक और सेब खाओ, और ये अनार खाओ ना। नहीं, ये वाला, इसे खाने से भी बड़ी जान बनती है, बड़ा वजन बनता है। हाँ, खाओ खाओ, खाओ खाओ। हाँ, वजन बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। एक और चीज है मेरे खाते, एक और ये केला नहीं खराब। नहीं नहीं, थोड़े से और। ए अजनबी, जरा सोच लो, ऐसा ना हो कल तन्हाइयों में। अरे क्या हुआ? एक तो जूता मार दिया, और कहते हो क्या हुआ? चल, आज पत्थर का बदला बराबर हो। अच्छा, तो फिर मैं गुलदस्ता ले लूं? अरे पगली, जब जिंदगी इन फूलों से भी ज्यादा हसीन और रंगीन हो जाए ना, तो वो महक इन फूलों की महक से भी कहीं ज्यादा होती है। क्या समझी? मैं तो कुछ भी नहीं समझी। तो कुछ नहीं समझेगी, तू बहुत छोटी है। क्या कहा? बाबा तो कहता था तू बहुत बड़ी हो गई है। शानो, मेरी बात समझने के लिए दिल की आंखें चाहिए। दिल तो मेरे पास है बाबू, और उसकी आंखें भी होंगी। तुम बताओ ना, मैं समझ लूंगी। तूने किसी से प्यार किया है? हाँ बाबू, पहले किया था प्यार, पर वो तो क्या हुआ? दगा देकर चला गया। कौन था वो? पहाड़ी मिट्टू, पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया और वो भाग गया। अरे पगली, मैं जानवरों की बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर किसी को देख के तेरे दिल की धड़कनें नहीं तेज हो जाती? वो तो तेज हो जाती है, देखो ना मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। देखो देखो, धीरे धीरे आके नींद।
तेरे आंख मिचोली खेलने के दिन नहीं है बेटी, अंदर आ जा। अब तो बड़ी हो गई है बेटी। तो फिर क्या हुआ बाबा? बेटी जब लड़की जवान हो जाती है तो। जानती हूँ बाबा, सब जानती हूँ। जब लड़की बड़ी हो जाती है ना तो वो रोटी पकाती है, झाड़ू देती है, बर्तन मांजती है और बटन टांगती है। लो मैं बटन टांग दूँ। जरा सूरत तो देख अपनी। आईना तो मैं रोज देखती हूँ बाबा, आधी सूरत इधर नजर आती है, आधी सूरत इधर नजर आती है, टूटा हुआ जो है। बेटी ये तो तेरी माँ की निशानी है। शहर से साबुत शीशा लाऊंगा, उसमें अपनी सूरत देखेगी, जब समझेगी मेरी बात। अब्बा हुजूर, मुस्कुराओ मेरी बेबसी पर, तह तह लगाओ, लेकिन आज तुम अपनी दोनों आंखों से देखोगे कि तुम्हारे ये खाते, ये जायदाद, ये शानदार होटल रात का ढेर बन जाएगा। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूं? ये रही मिट्टी के तेल की बोतल और ये रहा मैं। घबरा गए अभी से? अब्बा हुजूर, अभी आपने देखा ही क्या है। जल्दी, अब आपके शानदार होटल की छतें भक्से उड़ जाएंगी। आपने मेरे अरमानों का गला घूट कर ये महल बनाया था, मैं आपके अरमानों की गर्दन दबाकर इसको कंडर बना दूंगा। बेगम, अरे ये आज कौन से ओल्ड फैशन की खुशबू लगाई है तुमने? आज ही तो नया सेंट लाई हूँ। ऐसा मालूम होता है जैसे जैसे कोई टार जल रहा हो। अरे आग लग गई, आज इस मर्दूत ने फिर कोई फटा किया। जल्दी करो, सूरत क्या देख रही है? पागलों से बात कर लिया। तू सामान समेटो, मैं उस मर्दूत को देख कर आता। होटल जलेगा और ये बंदा कह कहे लगाएगा, शोले भड़केंगे और इस नाचीज का दिल ठंडा होगा। कौन है बे? अबे वाकिल के अंधे, आग लगी है, दरवाजा खोल। दरवाजा नहीं खुलेगा, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। अबे पागल, दरवाजे का तो बाप भी खुलेगा। अबे उठी मैंने, ये क्या कर दिया? आग आग, महीने वालों आओ, चले जाओ, ये मेरे बाप का होटल है, मेरा अपना मामला है, अगर बीच में आए तो। अबे वो पागल, तेरा दिमाग खटक गया, आग मत बुझवा। चले जाओ, मैं कहता हूँ छोड़ बाजी, छोड़ बाजी। चले जाओ, चले जाओ, मैं कहता हूँ चले जाओ। घुसा मारेगा, मारूंगा, घुसा मारेगा। हाँ, मार, घुसा मार। पुलिस, पुलिस! बाबू, बाबू, ए बाबू! ओह, कितना अच्छा काम देख रहा था। तुम्हें तो हाथ देख रहे हो, तो आग लग गई है। आग? हाँ। कैसी आग? आग जिसमें अंगारे होते हैं, शोले भड़कते हैं। अब तुम कहाँ जा रहे हो बाबू? आग तो बुझ भी गई। किसने लगाई आग? मालिक ने। नासिर ने? हाँ। नासिर कहाँ है? थाने में। नासिर का तो दिमाग खराब हो गया। ए, तू कहाँ है? चल निकल, निकल। बाबू, आखिर मालिक को हो क्या गया है? मुझे तो ऐसा मालूम होता है ये सभी पागल है, और इन पागलों में आकर मैं भी पागल हो गया। चलो छुट्टी हुई, एक मैं तो पागल थी, अब बाबू भी पागल हो गया है। शीशा तो टूट गया है बाबू, पर तस्वीर बच गई है ना? इंस्पेक्टर साहब, इस आग को यहीं रोक दीजिए, इस आग को यहीं रोक दीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसे कैद कर दीजिए, बल्कि उम्र कैद कर दीजिए। जो आग भड़क चुकी है वो कभी नहीं बुझ सकती। वो बोला आग फिर भड़की, जल जाने दो इस दुनिया को। वो बोला अरे तेल छिड़क कर खुद आग में कूद जा कमबख्त, मुझ गरीब किराएदार के लिए क्यों आग बना है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा मकान छोड़ दो वरना। फिर बोला, खामोश। इस पागल ने तो मुझे भी पागल कर दिया है, इस संगीन जुर्म के बाद तो मैं इसे जमानत पर भी रिहा नहीं करूंगा। अरे ताज्जुब है, कमाल है, ये शख्स तो पूरा मन शहरियों के लिए खतरे की घंटी है। आज समझी,
पहले तुमने मेरे दिल में मोहब्बत की आग लगाई और आज अपने घर को आग लगाकर मेरी उम्मीदों में आग लगा दी। नहीं नहीं सीमी, ठंडे दिल से गौर करो, इतनी आग बगुला ना हो। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। अगर तुमने अब कभी मेरी तरफ रुख किया तो मैं शोला बनकर लपूंगी और चिंगारी बनकर तुम्हें जला डालूंगी। नहीं नहीं सीमी, लौट आओ, खुदा के वास्ते लौट आओ, वरना मैं अपना सर टकरा कर पाँच पाँच कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, खुदकुशी का इरादा कर रहा है, कर दीजिए चालान खुदकुशी के इल्जाम में। इंस्पेक्टर साहब, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मुझे रिहा कर दीजिए, खुदा की कसम मैं दोबारा इस जगह नहीं आऊंगा। क्या जमानत है तेरे पास इस बात की? जमानत? वो रही मेरी जमानत। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इसकी जमानत नहीं दूंगा, इसे यही जेल में सड़ा फाड़ा जमा दीजिए। तुमने भी आंखें फेर ली भैया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी जमानत मेरी बेचैनी है, मेरी बेकरारी है, मेरे आंसू हैं, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये सच कहता है, ऐसी है हालत देखकर मेरी बीवी ने मुझसे शादी की थी। सिपाही खोल दो दरवाजा। जल्दी खोल दीजिए। जनाब क्लीनर साहब, क्या हो रहा है? चेहरे पे दो इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी मोटर है, मैं इतना बड़ा आदमी, नजर नहीं आता कि मोटर स्टार्ट नहीं हो रही। अरे तू तो काटने को आ रहा है, क्या बात? तू भी अच्छा दोस्त है, अच्छी तरह जानता है कि सिम्मी मुझसे नाराज है, जानबूझ कर अनजान बनता है। सिम्मी नाराज है तो मना ले। मना ले? सिम्मी नाम है उसका। इस मोटर का गुबार साफ हो सकता है, उसके दिल का गुबार साफ नहीं हो सकता। अच्छा तो फिर मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। तरकीब सोचता? बाबू घास खा रहे हो? शैडो कोई रूट जाए तो उसे कैसे बनाते हैं? ये क्या मुश्किल? पहले मुस्कुरा कर देखो, ना माने तो हाथ जोड़ दो, और अगर फिर भी ना माने तो गले में। तेरा तो दिमाग खराब है। लो बाबा रूट जाए तो फिर तुम ऐसी तरह मनाती हूँ। बाबा को नहीं, सिम्मी को मनाना। ये फंदा लिए कहाँ जा रहा है? मरने जा रहा हूँ। अच्छा, सिमी ने दिलावर ठेकेदार से शादी करने का फैसला कर लिया, मेरे लिए इस दुनिया में क्या रखा। हाँ ठीक कह रहा है, जा खुदा हाफिज। यार नदीम, इस पहाड़ पर कोई ऐसा दरख्त नहीं है जिसकी शाख से लटक कर मैं खुदकशी कर सकूं। देखना सारे दरख्त अलिफ की तरह सीधे हैं। तो फिर प्रोग्राम कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, ला मैं तेरी मदद करता हूँ। करो। हाँ ये ले। अरे तू नहीं मर सकता, तू बहुत ही बुजदिल। मर भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता, फिर क्या करूं? अरे बेगैरत, तू जाके उस ठेकेदार का मुकाबला क्यों नहीं करता? मुकाबला? वो सेंडो है, सेंडो। अरे ये मोटे आदमी बिल्कुल खोखले होते, तू पहले जाकर हाँ कर, वो घबरा जाएगा, उसके बाद एक दो तीन बस। रुक जाओ। चलो मेरे साथ, कौन है ये जो कुछ? कोई पागल मालूम होता है। पागल? ये क्या बदतमीजी है नासिर, छोड़ दो मुझे। सिम्मी, खुदा पाक की कसम मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं अभी इस होटल की कमाई खाऊंगा। सच? ईमान से। अरे जल्दी करो, उस कमबख्त को होश आ रहा है। उठ के बैठ जाओ, नहीं खुलता दरवाजा। बैठ जाओ। किसका खत है? किसी का भी हो, तुम्हें क्या? समझ गया। तो फिर बताओ। ये खत उसका है जिसे तूने दिल में छुपा रखा है। झूठ नहीं सच, तुम्हें कैसे पता? अरे तेरे दिल की सारी बातें मालूम हुई मुझे। ये तो मेरा खत है। नदीम प्यारे। बाबू, ए बाबू, और कुछ नहीं लिखा। मैं कराची जा रहा हूँ। क्यों? मेरी रिकॉर्डिंग है। ये रिकॉर्डिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग हॉल होता है, रिकॉर्डिस्ट, ऑर्केस्ट्रा और माइक्रोफोन के। तू क्या समझेगी, चलो दे।
अरे गजब हो गया। क्या हुआ? मुझे अभी अभी याद आया कि तुमने अभी तक मुझसे इकरार मोहब्बत ही नहीं किया। नहीं किया? नहीं। तो फिर आप फौरन ये काम कीजिए जी, मुझे परसों कराची जाना है। जनाब इतनी जल्दी ना कीजिए, हमें कुछ सोचने का मौका दीजिए। देखो मोहतरमा, बदनाम तो मैं तुम्हें कर ही चुका हूँ। खुदा ना करे। इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, हर जगह तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ आ रहा है। नदीम नाहिद। हाँ, नाहिद नदीम। हाँ, यहाँ है वो छत पे, वहाँ दरख्त पे और ना जाने कहाँ कहाँ। तो फिर क्या करूँ? मुझसे प्यारी मोहब्बत करो और शादी का वादा करो। अच्छा, तो मजबूरन इकरार करती हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है। अब जल्दी चलो। ओहो, क्या हुआ बेटी? नजला। क्या मुसीबत है साहब? मौसम। मौसम को क्या हुआ? अच्छा वाला मौसम? कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छा हो गया है अब्बा जान। किस बला की सर्दी है। आज नजला हुआ है, कल इन्फ्लुएंजा होगा और परसों निमोनिया। कैसी बातें करती हो बेटी, तुम्हारे दुश्मनों को निमोनिया हो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। प्लीज अब्बा जान, डॉक्टर को ना बुलाइएगा। डॉक्टर साहब आएंगे, कड़वी दवाई देंगे जो मैं नहीं पीऊंगी। फिर इन छींकों का इलाज कैसे होगा? इनका सिर्फ एक ही इलाज है। वो क्या? वापस कराची। मगर तुम्हारी सेहत का क्या होगा बेटे? अब्बा जान, मेरी सेहत अब बिल्कुल ठीक हो गई है। देखिए ना, गालों पर सुर्खी आ गई है, बाजुओं में दम आ गया है और अब्बा जान वजन 120 पाउंड हो गया है। झूठ तो नहीं कह रही? जैसे तुम्हारी मर्जी। ओ अब्बा जान। अरे अरे, अरे क्या कर रही हो? चलने की तैयारी। अगली मैं यहाँ से कुछ सौगातें भी तो लेकर जा रहा हूँ। क्या सौगातें? सबसे बड़ी सौगात तो किसी की याद है। किसकी? एक लड़की की। कौन है वो? जिसे मैंने अपने दिल में बसा लिया। कहीं शहर जाकर उसे भूल तो नहीं जाओगे बाबू? उसे नहीं शानू, नहीं, मैं उसे नहीं भूल सकता। अरे तेरी आंखों में आंसू? अरे तू तो बड़े छोटे दिल की लड़की। नहीं तो बाबू, दिल तो मेरा बहुत बड़ा है पर आंखें छोटी है ना, आंसू छलक जाते हैं। यार खुदा के वास्ते जल्दी कर, मैं नर्वस किस्म का आदमी हूँ, अगर बस निकल गई तो कराची तक पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा जा यार। मैं बस जा। बाबू सुनो तो सही। बाबू बोल। तुम मुझे खुदा हाफिज कह के नहीं जाओगे? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब चलो, मैं तुम्हें बस के अड्डे तक छोड़ा। अरे चलो ना। अरे तुम किस सोच में बैठी हो? सोच रही थी कुछ करना होगा। किस सिलसिले में? शादी के बारे में। ओह अरे बेटे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? आंटी पूरी 7 साल की हो गई, अभी तक कोई रिश्ता ही नहीं आया। तो फिर तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? आंटी आपका जो बेटा है ना, उसे मेरे रिश्ते की बात करवा दो। अच्छा नदीम से? वो तो, क्या मैं आपको पसंद नहीं? अरे नहीं बेटे, ये बात तो नहीं है। फिर वादा? वादा। अरे कोई है घर में? नदीम आ गया। कमाल कर दिया, एक तो जाता नहीं था और गया तो सबको भूल गया। तुम अंदर तो चलो, सब कुछ बताता हूँ। अरे माँ, बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ाई है नासिर से, अनकरीब उसकी शादी। माँ ये अपनी हमसाई क्यों शर्मा रही है मुझसे? इसकी भी तो शादी होने वाली है ना। अच्छा किससे? तुमसे। मुझसे? मैं कह रहा था कि ये आवाज किसी और की नहीं हो सकती। अबे तुझे यहाँ माँ की देखभाल के लिए छोड़ गया था यार? यार 3 मिनट के लिए नहाने को चला गया था, वरना आंटी से पूछ लीजिए, एक पल को अकेला नहीं छोड़ा। हाँ हाँ, नहीं तो क्या। अच्छा तौलिए दे, मैं नहा कर आता हूँ और तू यहाँ बैठकर भाभी से बातें कर। भाभी? देखने में हुक्का खूबसूरत चीज है, मगर मुझे इसकी आवाज से चिढ़ है। मैं अपने अपने शौक की बात है, फिर पुराने वक्तों की यादगार है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। यार प्रोफेसर मरी गए थे बेटी की सेहत के लिए,
तुम तो खुद सुरखों सफेद होके आ गए। मियाँ हमारी सेहत खराब ही कब थी, तुम पहले डॉक्टर हो जिसने इस घर में कदम रखा है, और वो भी इसलिए कि तुम डॉक्टर होने के साथ साथ हमारे दोस्त भी हो। अच्छा अच्छा, नाहिद की सेहत अब माशाल्लाह ठीक हो गई है, उसकी शादी की फिक्र करो। क्यों? जवान लड़की है, जितनी जल्दी हो सके जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों से उतार दो, जमाना बड़ा खराब है। तुम्हारा दिमाग खराब है, भला जमाने का हमारी बेटी से क्या ताल्लुक? भाई ये उम्र बड़ी नाजुक होती है अमजद साहब, इंसान अक्सर इन राहों पे बहक जाता है। क्या कह रहे हो डॉक्टर, नाहिद उन लड़कियों में से नहीं है, वो हमारी बेटी है और हमारी मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकती। तो फिर शादी करने में क्या हर्ज है? शादी करेंगे और खूब धूमधाम से करेंगे, मगर अभी नहीं। आओ चलो शतरंज की एक बाजी हो जाए। देख, तू बाप के दिल का एतबार बन गई है, अब इसका भरम रखना। चल हट, हमने किसी से मिलने का वादा किया है। सोच ले, कहीं इस तरह बाप के एतबार को ठेस न पहुंचे। डरा रही है? अगली मोहब्बत सोचती नहीं, कर गुजरती है। मिलने के लिए इतनी ही बेचैन है तो उसे खत क्यों नहीं लिख देती? हाँ नदी, हम तुमसे मिलने नहीं आएंगे, तुम्हें खत लिखेंगे। हर वक्त तुम हो और तुम्हारा चूल्हा। इधर आ, बात बताओ। ओहो, आखिर बताओ ना बात क्या है। माँ तुमने हजारों लड़कियां देखी होंगी। देखी है ना? हाँ। मगर ऐसी लड़की नहीं देखी होगी जो ये कहे, मंजिल को पाने के लिए सिर्फ वही रास्ता इख्तियार किया जा सकता है जिसे हमारे बुजुर्ग तहजीब का नाम देते हैं। तू किस लड़की की बात कर रहा है? नाहिद की और किसकी? ये कौन है नाहिद? तू कहाँ से आ गई इस वक्त? किसका साथ है? होगा किसी का, तुझे क्या? मुझे नहीं बताते। देख, तू बहुत अच्छी लड़की है, ये एक रुपया ले और जाके टॉफी खा। माँ तुमने भी अजीब दुमछल्ला लगा लिया। ये नाहिद है कौन? मैंने तुम्हें बताया नहीं। कहाँ? माँ नाहिद प्रोफेसर अमजद की लड़की है, माँ तुम उसे देखोगी ना तो बस देखते ही रह जाओगी। साफ साफ क्यों नहीं कहता तू उससे शादी करना चाहता है? खूब समझी माँ। मगर अपने रूबी का क्या होगा बेटा? क्या मतलब है रूबी का क्या होगा? मैं तो वाकई रूबी में मैं फिर आगे चुड़ैल। तो तू चाहता क्या है? माँ मैं वही चाहता हूँ जो नाही चाहती है। अगर हम दोनों का मिलाप बुजुर्गों के मिलाप से हो जाए तो मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल गया। माँ मैं तेरा रिश्ता लेके जाऊंगी। रूबी क्या? नहीं नाही के यहाँ वादा। वादा अरशद, यार ये प्रोफेसर साहब का नवाबों का खानदान है। ओ, तो क्या तुम किसी नवाब से कम हो? हाँ ये तो ठीक है, मगर इन नवाबों के खानदानी नखरे बहुत होते। ओ, तो तुम्हारा खानदान भी कोई ऐसा ऐसा तो है नहीं, तुम भी तो आला खानदान के हो। हाँ फिर मेरे पास एमए की डिग्री है, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, स्टेटस है, शोहरत है। अरे हाँ हाँ भाई, खूबसूरत हो, जवान हो, चार्मिंग हो, हीरो कट हो, और फिर ऐसे लड़के मिलते भी कहाँ है। लेकिन अरशद तेरे ख्याल से प्रोफेसर साहब ये रिश्ता कबूल कर लेंगे? चार रुपए का स्टैंप लिख के दूं मैं आपको? ये तो मैं भी जानता हूँ, प्रोफेसर साहब चराग छोड़ लैंप लेके घूमे ना तो अभी मुझ जैसा दामाद उन्हें कहाँ मिलेगा। अरे प्यारे आजकल तो जब लड़की चाहती है तो वो आ गई। माँ माँ क्या हुआ? प्रोफेसर साहब ने क्या कहा? रिश्ता तो कबूल कर लिया ना, जल्दी बताओ माँ। दम तो ले लेने दे, बताती हूँ। जल्दी बताओ, प्रोफेसर साहब तो अच्छी तरह पेश आए, बहुत शरीफ लोग हैं, बड़ा अच्छा खानदान है। लेकिन लेकिन उन्होंने कल तुम्हें 4 बजे चाय पर बुलाया है। वो क्यों? इसलिए कि ये गुड़िया गुड्डे का ब्याह नहीं है, लड़की की शादी है, और जब लड़का पसंद होता है तभी तो घर बुलाया जाता है। चलो मंगवा मिठाई जल्दी से। सुना था कि फूल खिलने से पहले अपने आप को शाखों में छुपा लेते, आज देखा
तो यकीन आ गया। हमारा आपसे पर्दा है। इसका मतलब वो तो नहीं जो हुआ करता है। देखो तुम ज्यादती कर रही हो, सामने आ जाओ नहीं तो। नहीं तो? नहीं तो मैं सामने आ जाऊंगा। बड़ी खुशफहमी है आपको अपने मुतालिक। क्यों ना हो, खत भेज कर बुलवाया गया हूँ। और फिर खुश इसलिए भी हूँ कि एक बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। क्या यकीन है आपको? यकीन ना होता तो आता ही क्यों? सोच लीजिए, कभी कभी खुशी गम भी बन जाती है। मुझे तुम्हारा गम भी अजीज है, सीने से लगा के रखूं। जी हाँ, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। और बातों से बहलाना, बातों से बहलाना आपसे। आगे बढ़िए, कोई आपका इंतजार कर रहा है। शुक्रिया। अजी हुजूर, इस तरफ नहीं, उस तरफ। अंदर आ जाओ, मगर वहीं रुक जाओ। इससे पहले कि तुम्हारे कदम इस दहलीज से आगे बढ़ें, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। वहीं से सुन लो और वहीं से लौट जाओ। नाहिद उस खानदान से ताल्लुक रखती है जो पुश्तों से इज्जत और वकार का आलमबरदार रहा है। नाहिद का रिश्ता मांगकर तुम हमसे इतनी बड़ी गुस्ताखी करोगे, हम यह सोच भी नहीं सकते थे। पूछ सकता हूं मेरा कसूर क्या है? तुम अपने आप को भूल बैठे हो। नगमों की झोली फैलाकर पेट पालने वाला गवैया किसी रोशन मुस्तकबिल की जमानत नहीं बन सकता। लेकिन मुझे तो इस पेशे में कोई बुराई नजर नहीं आती। बुराई तो मामूली जेब कतरे को भी अपने पेशे में नजर नहीं आती। जेब कतरा माशरे की लालच है प्रोफेसर साहब, और ये फन माशरे की जरूरत। हमारे नजदीक ये जरूरत तवायफों के बाजार में बिकती है। तबले की थाप और घुंघरुओं का शोर इस जरूरत को परवान चढ़ाता है। तुम्हें इस फन में कोई बुराई नजर नहीं आती तो इस फन को अपने चेहरे पर सजाकर किसी ऐसे घर में चले जाओ जहां तुम्हें इज्जत मिल सके। हम अपनी खानदानी रिवायात का भरम नहीं तोड़ सकते। ये मत भूलिए प्रोफेसर साहब के मैं नाहिद की पसंद हूँ। मुझे ठुकरा कर आप मेरी नहीं अपनी बेटी के जज्बात की तौहीन कर रहे हैं। ठहरो साहिबजादे, जाने से पहले एक बात और सुनते जाओ। इस खुशफहमी को अपने दिल से निकाल दो कि तुम किसी शरीफ लड़की की पसंद या किसी शरीफ खानदान के दामाद बन सकते हो। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, घर बुलाकर जलील करने का दस्तूर भी शायद आपके खानदान की कोई रिवायत है। नदीम, नदीम, क्या कहा प्रोफेसर साहब ने? ठीक ही कहा है माँ। देखो ना, ये घर तो बहुत छोटा है, मुझे तो अभी बड़ा घर बनाना है, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है माँ, और फिर शादी की ऐसी जल्दी भी क्या है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है। माँ तुमसे छुपाने की जरूरत भी क्या है, तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हो। नदीम, मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा। तू समझता है तेरे दिल में जो तूफान उठ रहे हैं मैं उन्हें महसूस नहीं कर सकती। अपनी जबान से नहीं कहना चाहता तो मेरी जबान से सुन ले बेटा कि उन्होंने क्या कहा है। कुछ भी नहीं कहा माँ, कह तो दिया सब ठीक है। सब ठीक नहीं है बेटा, सब ठीक होता ना तो तू आज अपनी माँ से इस तरह बात ना करता। ठहरो माँ, सुनना ही चाहती हो तो सुनो। नाहिद मेरी नहीं हो सकती माँ, इसलिए कि मैं एक गवैया हूं। जिन नगमों को मैं अपनी जिंदगी समझता रहा वो आज मेरी मौत बन गए हैं माँ। कुछ बताओ माँ, क्या मैं माशरे का बदनुमा दाग हूं? क्या मेरा पेशा इसे काबिल है कि लोग इसे जलील समझते रहें? क्या मैं इस काबिल नहीं माँ कि किसी शरीफ खानदान का दामाद बन सकूं? बताओ ना माँ। जो शख्स तेरे फन की असमत को न समझ सका बेटे, वो इस काबिल नहीं है कि तेरा सुसर बन सके। ये तुम कह सकती हो इसलिए कि तुम इस कवैये की माँ हो। जिंदगी में एक कयामत तो उस रोज आई थी बेटी जब तुम्हारी माँ हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई थी,
और हम समझते थे कि एक कयामत उस रोज आएगी जब तुम पराए घर चली जाओगी। ये मालूम न था कि इन दोनों के दरमियान एक कयामत और आएगी जब बेटी की मर्जी बाप के लिए उलझन बन जाएगी। आप मेरी तकदीर का फैसला कर ही चुके हैं तो फिर मर्जी कैसी। मगर आंसू तुम्हारी जबान का साथ नहीं दे रहे बेटी, लगता है जैसे हमारे फैसले ने तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाई है। आंसू आपके फैसले पर नहीं बहा रही हूँ अब्बा जान, रोना तो अपनी नादानी पर आ रहा है। कितनी पागल हूँ कि जिंदगी की राह में चलने के लिए एक ऐसा हमसफर चुन बैठी जिसकी कोई मंजिल नहीं, इंतखाब भी किया तो किसका, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं। न जाने फैसला करने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि खानदानी रिवायत का भरम टूट जाएगा। मालूम नहीं किस तरह भूल बैठी कि मस्जिद की लड़कियों को अपने मुस्तकबिल पर कोई इख्तियार नहीं होता। तुम्हारे आंसू देखकर मेरा दिल भी रो रहा है बेटी, मगर ये फैसला दिल ने नहीं अक्ल ने किया है जिस पर जज्बात का कोई असर नहीं होता। जब बाप के लिए बेटी के जज्बात बेअसर हो जाए तो पहलू से दिल को नोचकर फेंक ही देना चाहिए। जाइए अब्बा जान, अपनी अक्ल का फैसला आजमाइए। दिल का क्या है, कुछ देर तड़पेगा, संभल जाएगा। तुम बाप को जी भर के बुरा कह लो बेटी, और मैं दुनिया वालों से पूछता हूँ कि बाप के कमजोर कांधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ क्यों डाल दिया है, इतना बड़ा फैसला करने का हक क्यों दे दिया है जो बेटियों के लिए आंख का आंसू बन जाता है। आप मेरी मजबूरियां समझ तो सकते हैं अब्बा जान, लेकिन अपने उसूलों को नहीं तोड़ सकते। ये तो माए हुआ करती है जो बेटी की खुशी के लिए उसूल तो क्या जिंदगी भी कुर्बान कर देती है। काश आज मेरी माँ जिंदा होती। मैंने तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी ना ही, जिंदगी भर आंसुओं को इन आंखों के करीब नहीं आने दिया तो फिर आज किस लिए। पहुंच दो इन आंसुओं को जब मेरी खुदगर्जी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं जमाने से नजरें मिलाऊंगा, खानदानी रिवायात और रस्म रिवाज का सामना करूंगा, हर दुख हर जिल्लत सह लूंगा, मगर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये तो कहो तोड़ कर दिल मेरा छुप गए हो कहाँ साजना, दिल का दारी का मजाक उड़ा रही है। ये आंसू तेरी शिकस्त का इतराफ कर रहे हैं बेटा। दिल पर चोट लगती है तो आंसू निकल ही आते हैं माँ। क्या दुनिया में और कोई लड़की नहीं है अपनी कीमत जानना चाहता है तो मुझसे पूछ मेरे लाल। तू तो वो हीरा है जिसकी कदर करने वाले हजारों जौहरी मौत है, एक बार मुझसे कह के तो देख। मैं जानता हूँ माँ तुम्हारी ममता में इतनी कुव्वत है कि तुम जन्नत से मेरे लिए हूरे भी ला सकती हो, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूँ जो एक ही नाम सुनकर धड़कता है। इन आंखों को कहाँ ले जाऊं मां जिनमें सिर्फ नाहीद बसी हुई है। ला सकती हो तो मेरे लिए नाहीद ला दो मां। नाहीद के लिए इतना ही बेकरार है तो जा, नाहीद से पूछ वो तेरे लिए कितनी बेकरार है। नाहीद के लिए आंसू बहा रहा है तो जाकर देख वो तेरे लिए कितनी आंसू बहा रही है। तू नहीं जानता बेटे, औरत जब अपनी बात मनवाने पर आती है तो तूफानों का रुख मोड़ देती। जाकर नाहीद से पूछ वो तेरे लिए कितने तूफानों का मुकाबला कर सकती है। ये जानते हुए भी कि तुमने मेरी मोहब्बत से मुंह मोड़ लिया है, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सजा देनी थी तो
तो फैसले में इतनी देर क्यों लगाई? फरेब देना था तो अब आंखें क्यों चुरा रही हो? तुम जज्बात से मजबूर होकर आए हो नदीम, मेरी मजबूरी नहीं समझ सकोगी। ये कैसी मजबूरी है लाही, जिसने उस एहसास को मिटा दिया जो तुम्हारे दिल में मोहब्बत बनकर जागा था। तुम्हारा प्यार हालात के बहाव में तिनके की तरह बह जाएगा, ये मैंने सोचा भी ना था। सोचा तो मैंने भी नहीं था। तो फिर प्यार क्यों किया था? तब जज्बात पर इख्तियार नहीं था, अब हालात पर इख्तियार नहीं। हालात का शिकवा ना करो नाहिद, सच्ची मोहब्बत तो तकदीर को भी खातिर में नहीं लाती। तुमने बाप के फैसले के सामने सर झुकाकर मोहब्बत की तौहीन की है। मशरक की लड़कियां बाप के फैसले के सामने सर झुकाया करती हैं, सर उठाया नहीं करती नदीम। और मैंने भी इसी रिवायत को जिंदा रखा है। प्यार को जिंदा रखना है तो रिवायत की जंजीर को तोड़ दो, रस्म रिवाज की ये दीवार गिरा दो नाहिद, जिसने हमारी मोहब्बत को दो हिस्सों में बांट दिया है। नदीम, तुम मुझे मोहब्बत की नहीं बगावत की राह दिखा रहे हो। तुम चंद दिनों की मोहब्बत का एहसान जता रहे हो, मुझे बरसों की रफाकत का ख्याल है। तुम दिल के लुट जाने का शिकवा करने आए हो, मेरे सामने बाप की गैरत का सवाल है। तुमसे बिछड़ने का दुख मुझे भी है, लेकिन जिन ख्वाबों की तकदीर में ताबीर ना हो उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। कितनी आसानी से कह दिया है कि तुम्हें भूल जाऊं। चलो अच्छा किया, दिल में रोशनी की जरा सी आस बाकी थी, आज तुमने उसे भी बुझा दिया। लेकिन याद रखो नाहिद, मुझे दुख देकर तुम भी सुखी ना रह सकोगी। मेरी याद कांटा बनकर तुम्हारे दिल में चुभती रहेगी और मेरा ख्याल हर राह पर आईना बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुमने ठीक ही कहा है नदीम, मैं तुम्हें कैसे भुला सकूंगी। जिंदगी एक दौरा है कि जिस पे अक्सर हम सफर मिलते हैं और मिलके बिछड़ जाते हैं। जी तुम आ गए। तुम्हारे आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं, तुम्हारे आने की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन आपने मुझे याद फरमाया था। तुम्हें मैं कैसे याद ना फरमाता? अरे मैं कहता हूँ मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, मैं तुम्हें बुला के इतना भी ना पूछूं कि बताओ मुझे किस कसूर की सजा दी जा रही है, बताओ। मैं समझा नहीं जनाब। तुम कैसे समझोगे, वो तुम्हारा दोस्त जो ठहरा, मगर मैं पूछता हूँ क्या इसी दिन के लिए मैंने उसे सूरत की बुलंदियों पर पहुंचाया था? आप मेरे कौन से दोस्त की बात कर रहे हैं? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा, मैं नदीम की बात कर रहा हूँ। ये देखो कौन सा अखबार है जिसमें उसके प्रोग्राम का स्थान नहीं दिया गया, कौन सा रिसाला है जिसमें उसकी पब्लिसिटी नहीं की गई, मगर अब वो कहता है कि मैं नहीं गाऊंगा। सुनते हो, वो नहीं गाएगा। लेकिन क्यों? यही तो मैंने उससे पूछा था। कहने लगा इस पेशे में इज्जत नहीं है जनाब, लोग हकारत की निगाहों से देखते। मगर मैं पूछता हूँ कि लोगों ने किस फनकार को इज्जत की निगाह से देखा? लोग तो हमेशा फनकारों की मौत के बाद उनकी इज्जत करते हैं। अगर वो अपनी इज्जत करवानी चाहता है तो मर के देख, मगर नहीं, मरने से पहले उसे ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैं उसे राजी करने की कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा, सिर्फ कोशिश करूंगा। मैंने कह दिया अगर उसने ये प्रोग्राम नहीं किया तो तुम मुझे अपनी सूरत मत दिखाना, उसे राजी करो या अपना इस्तीफा भेज दो। आंटी नदीम कहाँ है? अपने कमरे में है। कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो दोस्त? मैंने फैसला कर लिया है अरशद, मैं वो पेशा इख्तियार नहीं कर सकता जिसने मेरे वकार को ठेस पहुंचाई। अरशद, पत्थर ढोने वाले मजदूर की भी इज्जत होती है, मगर मैंने देख लिया इस माशरे में गुलोकार की कोई इज्जत नहीं। क्या करोगे फिर? तुम्हारे अब्बा मरहूम जो कुछ छोड़ गए थे वो तो खत्म हो चुका, तुम्हारी बूढ़ी माँ ने जिस आश्रय पर अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारी है तुम वास्ता भी उनसे छीनना चाहते हो? मैं मजदूरी कर लूंगा, पत्थर ढो लूंगा, दुनिया मेरी इज्जत तो करेगी, मुझे उस कदर जलील तो ना समझेगी कि मुझे अपने आप से नफरत हो जाए। तुम्हें अपनी जिंदगी पर इख्तियार है भैया, इसे बनाओ या बिगाड़ो। लेकिन तुम्हारी आवाज न हुई तो मेरी धुने क्या करेंगी? क्या यही है तुम्हारी दोस्ती कि जब ख्वाब पूरे होने का वक्त आया तो हाथ झटक दिया? ठहरो अरशद, मैं गाऊंगा दौलत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने दोस्त के लिए।
गुजरा हुआ ख्याल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। तुमने मुझे भुला दिया, नजरों से यूं गिरा दिया, जैसे कभी मिले न थे, एक राह पर चले न थे, थम जाओ मेरे आंसुओं, उनसे न कुछ गिला करो, वो हुस्न की मिसाल है, मैं इश्क का जवाल हूँ, जिसको न वो समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। करना ही था अगर सितम, देना था उम्र भर का गम, अहदे वफा किया था क्यों, चाहत से दिल दिया था क्यों, तुमने निगाह फेर ली, अब मैं हूँ मेरी बेबसी, वीरान शब के चांद का खोया हुआ जमाल हूँ, जिसको न तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। जीती रहो बेटी, आसिफ तो याद है ना, वही जावेद मिर्जा का बेटा जो इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी गया हुआ था, अब माशाल्लाह पढ़ लिख कर वापस आ गया है। ये देखो आसिफ की अम्मी ने उसकी तस्वीर भी भेजी। बेगम मिर्जा हमेशा से तुम्हें अपनाने की आरजूमंद रही हैं, इसी सिलसिले में उन्होंने ये खत भी लिखा है, तुम कहो तो, मेरा मतलब है तुम जो कहो खत का जवाब दे दिया जाए। मैंने जिंदगी की लगाम आपके हाथ में दे दी है अब्बा जान, जिधर जी चाहे मोड़ दीजिए। तबीयत खराब थी, लेकिन मैंने फिर भी तेरे लिए खाना बनाया है, अब तो खा लेना। मुझे भूख लगी है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, दिल डूबा जा रहा है। अरशद, अरशद, डॉक्टर को बुला देना जल्दी, तबीयत खराब थी तो पहले क्यों ना बताया ना। ले जा। मेरा दम घुटा जा रहा है। सांस लेती रहो माँ, अरशद अभी डॉक्टर को लाता होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं बेटे, मेरा काम बहुत है। ऐसा ना कहो माँ, तुम्हें अभी जिंदा रहना होगा मेरी खातिर, मुझे तुम्हारी जरूरत है माँ। सांस लो माँ, माँ सांस लो। क्या कर रही हूँ माँ, सांस लो, मेरे लिए, नदीन के लिए, खुदा के लिए। माँ तो औलाद का सारा दर्द अपने दिल में समेट लेती है, तुम कैसी माँ हो, तुम
तुमने अपनी बात का दर्द भी मेरे दामन में डाल दिया। तुम इतना ख्याल भी ना है कि मेरे दिल में किसी नए दर्द के लिए जगह नहीं है। तुम तो मुझे जिंदगी का सबक दिया करती थी, फिर तुमने जिंदगी का दामन क्यों छोड़ दिया? जवाब दो, मां क्यों, आखिर क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा, अम्मी मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती। अम्मी तुम्हें बहुत चाहती है, शायद तुम्हारी बात का जवाब दे। अम्मी को समझाओ ना। चल आंटी, अब हमसे बहुत दूर जा चुकी है नदीम। टैक्सी आप उठाओ। आओ दोस्त। तू रो रही है रूबी, अभी तो गम उठाने और आंसू बहाने के लिए तेरी सारी जिंदगी पड़ी है। तकदीर ने जो आंसू तेरे हिस्से में लिख दिए हैं, वो तो तुझे बहाने ही पड़ेंगे। ये नन्हे नन्हे आंसू पोंछते रूबी। आंटी, तुम मुझे छोड़ के चले गई, तो भी मुझे छोड़ के चले जाएगा। तुझे मेरे जाने का गम है? दुनिया बनाने वाले ने कैसी दुनिया बना दी है रूबी। यहाँ खुशी के साथ गम, हंसी के साथ आंसू और मिलन के साथ जुदाई क्यों होते? मेरे बस में होता तो मैं गम को जिंदगी से नोच के फेंक देता, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ रूबी, तू भी मजबूर। क्या गिराया? डब्बा। क्या फेंका? सुराही। आज तो इतनी जल्दी में क्यों है? बाबा, वो कराची है ना? मालिक आ रहे हैं। हाँ, हाँ बाबा, मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। बाबा बाबा, ये आंटी है ना, ये वाली, हाँ। ये वाली, ये तो मैंने बिल्कुल तैयार कर दी है, सिर्फ चम्मच चलाना बाकी रह गया है। तो फिर? फिर बाबा, अगर तुम चम्मच चला लो तो मैं चूड़ियाँ ले आऊँ। तो साफ साफ क्यों नहीं कहती? चल जा 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 जा। ओह, मेरे अच्छे हैं बाबा। इस जगह बैठ कर
ढूंढता फिर रहा हूँ मैं अपनी वीरान तन्हाई, रह गई यार जू जल कर हम इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे हम इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। क्या बात है, क्यों आई हो? बाबू, सिम्मी ने बताया था तुम्हारी माँ हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली गई है, सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ बाबू। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जा यहाँ से। जान देने वाला तो अल्लाह है बाबू, और वही जान लेने वाला भी। जाने दे शानो, तू नहीं समझ सकती मेरे दुख को। क्यों नहीं समझ सकती, जब मेरी माँ मरी थी ना बाबू तो मेरा दिल भी हर वक्त रोता रहता था। तुम्हारे पास तो तस्वीर है बाबू, मेरे पास तो तस्वीर भी नहीं थी। क्या मुसीबत है, क्यों खामखा मेरा दिमाग चाट रही है? चलो जा यहाँ से। तुम कितने बदल गए हो बाबू। तुमने मुझे बुलाया बाबू? नासिर कह रहा था तेरे बाबा ने तुझे बहुत डांटा। शानू तू यहां मत आया कर, जिस राह पर चलने से कुछ हासिल ना हो उस राह पर चलने से क्या फायदा है? फिर तुम उस राह पे क्यों चल रहे हो बाबू? मैं किस राह पर चल रहा हूँ? जिस पर चलने से कुछ हासिल ना हो। क्या कह रही है शानो? यही है ना वो लड़की बाबू। कौन सी लड़की? जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। शानो कैसी चमक रही है इसकी बड़ी बड़ी आंखें, जहरीली नागल। पागल हो गई है शानो। पागल तो तुम हो गए हो बाबू, ये देखो ये तुम पर हंस रही है और तुम इसके लिए आंसू बहा रहे हो। जब ये तुमसे प्यार नहीं करती तो इसे भूल क्यों नहीं जाती? शाना तू कौन होती है मेरे मामले में दखल देने वाली? मैं सब कुछ होती हूँ, लेकिन ये कौन होती है तुम्हें दुख देने वाली? ये कौन होती है तुम्हारा सुख और चैन छीनने वाली? जब इसने तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली है तो ये भी नहीं मुस्कुरा सकती। मैं इसकी सोलह बिगाड़ दूंगी। ये क्या कर रही है शानो, इसे क्या कर रही है? ना सिर ये लड़की मेरे सर पे चढ़ती जा रही है, इसे यहाँ आने से रोक दो। वो भी एक साये के पीछे भाग रही है, तुम भी एक साये को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। ना मैं उसे रोक सकता हूँ ना तुम्हें। मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है नासिर। दिलचस्पी तो तुम्हें अपने आप से नहीं है नदीम, लेकिन तुम्हारी ये हालत देख कर उन्हें तो तकलीफ होती है जिन्हें तुमसे कुछ लगाव है। मैंने किसी से हमदर्दी नहीं चाही। लेकिन हमदर्दी का जवाब धक्के तो नहीं होते भैया, उसकी वफा को समझो। जिल्लत उठाकर भी तुम्हारे दुख को अपना दुख समझती है, उसकी अदा को देखो जो अपने गम छुपा कर चाहती है कि तुम मुस्कुराओ। मालिक तेरा जहां, वफा का बदला यहां पर सितम है।
जिस राह पर चलकर मैं बर्बाद हुआ हूँ, तूने भी उसी राह पर चलना शुरू कर दिया पगली। मुझे माफ कर दो बाबू, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। ये दुख तेरा दिया हुआ नहीं है शालो, ये तो मोहब्बत की सौगात है, इसीलिए तो मैं तुझसे कहता हूँ इस राह पर न चल। अपने थोड़े से दुख मुझे भी दे दो बाबू। मैं तुझे खुशी नहीं दे सका तो गम भी नहीं दूंगा शालो, मैं चला जाऊंगा, मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। आदाब अंकल। जीते रहो भाई, क्या गजब कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम काम कर रहे हो। तबीयत खराब? हाँ, नाहिद ने तो हमें यही बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए तुम हमें लेने स्टेशन नहीं आ सके। नाहिद गलत बयानी से काम ले रही थी अंकल, मैं जरा प्रोजेक्ट की मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सका। कल आपके सर में दर्द था, मैंने सोचा कि नहीं, तो दर्द कल था, आज के लिए झूठ बोलने की जरूरत थी। अब्बा जान, मैं आपका कमरा ठीक थी। भाई कभी कभी जरूरत से ज्यादा साफ गोई से भी गुरेज करना पड़ता है मियां। अच्छा तुम अपना काम करो, मैं भी जरा आराम कर लूं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा घर है, तुम इस घर में खुश तो हो ना बेटी। अब्बा जान, ये कोट आपने कब सिलवाया? बड़ा प्यारा है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ अजीब सा सवाल है, खुश ना होने की क्या बात है? मेरा मतलब है, आसिफ का बर्ताव तो तुम्हारे साथ ठीक है ना बेटी? अरे अब्बा जान, ये तस्वीर अब तक आपने अपने पास रखी हुई है? तुम्हारी याद आती है तो देख लेते हैं। वैसे यहाँ तुम्हारा दिल तो नहीं घबराता? कैसी बातें कर रही हैं आप, इतना अच्छा घर, इतनी आसाइशें, भला दिल क्यों घबराने लगा? तुम कहती हो तो यही सही। अच्छा अब आप नहा लीजिए, सफर की थकन दूर हो जाएगी। अभी ये दुनिया बड़ी जालिम है, तेरे को कितने मरता बला कि वो जुवारी आदमी उससे मत मिल, फोरमैन का खामा खा गुस्सा। अरे अरे रुक जा रुक जा, ये क्या है? अरे ये तो जिंदा है, वो क्या देखते हो, उठाओ उसको जल्दी, अपने घर पहुंचा जल्दी, जरा संभाल के, जरा संभाल के। तो कुछ जान में जाना है। अब तू ये बता कि तू वो सड़क के किनारे पड़ा क्या कर रहा था? मैं पैदल जा रहा था, एक ट्रक ड्राइवर ने मुझ पर तरस खाकर मुझे लिफ्ट दी और फिर शायद मेरे सूटकेस की लालच में मुझे मार के ट्रक से फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अभी ये दुनिया बड़ी जालिम है यार, तुम ऊपर से तो बिल्कुल ठीक ठाक नजर आता है, अब देखना यह कि कुछ अंदर की हड्डी पतली तो नहीं टूट गई। जरा चल के दिखा दे। अल्लाह का शुक्र तू बिल्कुल फिट है। यार एक काम करेगा, तू अपना ठिकाना बिकाना दिखा दे ताकि मैं तुझे वहां पहुंचा क्या। मेरा कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। अरे सुनती है माँ, इस गरीब की भी कोई मंजिल मंजिल नहीं, अपनी तरह एकदम पकड़ मालूम होता है। ए भाई, ए भाई मैं तेरे को एक बात बोलूं, आज से तू इस घर को अपनी मंजिल समझ और ये मेरी माँ है ना माँ, इसे अपनी माँ समझ। क्यों माँ, तेरे को तो कोई इतराज नहीं? मुझे क्या इतराज हो सकता है, मैं समझूंगी, मेरा एक नहीं दो बेटे हैं। क्या बात बोली माँ, तेरा तो जवाब नहीं है। क्यों दोस्त, तेरे को तो कोई इतराज नहीं? नहीं नहीं, मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना। अभी ये दुनिया बड़ी जाली है और उसमें बोझ बनने की कौन सी बात है? अरे तू तो हट्टा कट्टा आदमी है और इधर में काम चालू है, मैं तेरे को कल अपने जैसे लाखों मजदूर में भर्ती करवा दूंगा। अब बोल। मजदूर? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं इतनी देर से यही सोच रहा हूँ कि मेरे मोहसिन का नाम क्या है। मोहसिन? कौन मोहसिन, किधर मोहसिन? तुमने मेरी जान बचाई, तुम मेरे मोहसिन ही तो हो। यार तू भी कमाल का आदमी, अपन कोई मोहसिन वोसिन को नहीं जानते, अपन तो राजा राजा, मगर एक बात का ख्याल रखना, अपन खाली पीली के राजा है, नहीं मेरे को रानी है नहीं कोई ताज तक। माँ जाना खाने बुला, मगर तूने अपना नाम नहीं बताया भाई। नदीम।
हाँ बड़ा सहरा ना मैं पंच चलेगा साहब मैं इन हराम सबसे बड़े हराम खोर तुम खुद हो। हम मुल्क की खुशहाली के लिए एक मंसूबा बना रहे हो, तुम उसमें रुकावटें डाल रहे हो। किया जाता है तुम्हें इडियट। पत्थर तो कब का टूट चुका, तुम अब तक हथौड़ा चलाए जा रहे हो, ये क्या पागलपन है? लोग होश में होते हुए भी इंसानों को कुचल देते हैं। मैंने पागलपन में एक पत्थर तोड़ दिया तो क्या हुआ? ठहरो, कल सुबह आकर मुझसे मेरे दफ्तर मिलो। जी बेहतर। प्लीज टेक सीट। थैंक यू सर। जी मेरा मतलब है शुक्रिया। बनो मत मिस्टर, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, इसका अंदाजा मुझे कल ही हो गया था, इसीलिए मैंने तुमसे अंग्रेजी में बात की। क्या तालीम है तुम्हारी? मैं एमए हूँ। और पत्थर तोड़ने की मजदूरी कर रहे थे? हालात कभी कभी पढ़े लिखे लोगों को ऐसे काम करने पे मजबूर कर देते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। बाहर तुरा यहाँ। एक ना अहल और बेईमान फोरमैन की वजह से हम अपने इस मंसूबे में प्रोग्राम से बहुत पीछे रह गए। मैं उस फोरमैन की जगह तुम्हें पोस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो इस काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिक्र मत करो, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, बहुत जल्द सारा काम सीख जाओगे। आओ मेरे साथ। सेक्रेटरी, फोरमैन की हैसियत से इनका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करो। साहब इस दफा मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता, जा सकते हो तुम। एक मौका तो और दे दीजिए, तुम जैसे आदमी की मेरे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। क्या यार नदी नहीं है, फोरमैन बन गया मैं, फोरमैन। अच्छा? हाँ माँ, खुदा इसमें बहुत खुश है माँ। ये आया था तो मजदूर बन के और फिर की मेहरबानी से फोरमैन बन गया मैं, फोरमैन। मिठाई खा माँ, मिठाई खा, तू मिठाई खा। नदीन बेटे आप तुम भी मिठाई खा लो। मिठाई तो मुझे लानी चाहिए थी माँ जी। लीजिए मेरे हाथ से खाई। पर अपन को एक बात की बड़ी सख्त फिक्र हो गई। वो क्या? ये दुनिया है ना दुनिया, बड़ी जालिम है। जुमा जुमा आठ दिन की दोस्ती और तू तो अब हमको छोड़ के चला जाएगा। क्या मतलब? अभी तू फोरमैन हो गया ना, फोरमैन बड़े बड़े मकानों में रहेगा और हम गरीबों को खाब समझ के भूल जाएगा। हैसियत बदली है दोस्त, दिल नहीं बदला। मैं तुम लोगों के साथ इस छोटे से खूबसूरत से मकान में रहूंगा। अरे मैं जानता था कि तेरे दिल में मुझ जैसे गरीब का दिल है। आ मैं तेरे को अपने एक दोस्त से मिलाऊंगा। ये देख। अरे नदीम मेरे दोस्त को देख के उदास क्यों हो गया? यूं राजा, तेरे दोस्त को देखकर मुझे कुछ बीते हुए दिन याद आ गए और कुछ पिछड़े हुए साथी, जब तक अब मेरी आवाज भी नहीं पहुंच सकती। चंदा ले आना, मेरे चंदा ले जा।
बात यह है आसिफ, नाहिद मेरी इकलौती बेटी है जिसे मैंने बड़े नाज़ नेमत से पाला है। इस कीमती हीरे को तुम्हारी झोली में इसलिए डाल दिया था कि तुम इसकी मुझसे ज्यादा कदर करोगे। आपका मतलब है मैं उस कीमती हीरे के लिए अच्छा जौहरी साबित नहीं हो सका? नहीं नहीं, यूं ही तुम्हारे रवैये से ख्याल हुआ, कहीं तुम नाहिद की किसी बात पर नाराज ना हो। मैं वक्त के एक एक लम्हे का हिसाब रखता हूँ अंकल, मुझे घर से ज्यादा अपने काम से प्यार है। मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ अंकल, उससे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां वाबस्ता हैं। अगर उस प्रोजेक्ट की एक ईंट भी इधर से उधर हो गई तो मेरी जिंदगी की इमारत राख का ढेर हो सकती है। घरेलू जिंदगी भी एक ऐसी ही इमारत का नाम है बेटे, जो मोहब्बत की बुनियादों पर तामीर होती है। मैं इस फरसूदा लफ्ज का कायल नहीं हूँ अंकल, मोहब्बत बेकार लोगों का मशगला है और मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं। अभी जा दीजिए। यार तू भी कमाल का आदमी है, हमेशा फिक्र में बैठा रहता है। और अपना शौक देख, तेरे वास्ते अंग्रेजी सितार खरीद के लाए। अब तेरे से क्या छुपाना, अपन को सस्ते दामों मिल गया, अपन खरीद लाए। जरा मजा के देख। छोड़ राजा, अभी ये दुनिया बड़ी जालिम है। यार मैं तेरे को कितनी मरता बोला, कम से कम कुछ गा गू का सुना दे यार। अच्छा गुजरा हुआ ख्याल हूँ, तुम खफा सही, तुम
कि तुम मेरे ही जिस्म का एक हिस्सा हो, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम तन्हा गम की आग में जलो और मुझ तक आंच ना आए, तुम तड़पो और मेरे दिल को खबर तक ना हो। दिल की फरियाद आपके कानों तक पहुंच ही चुकी है अब्बाजान, तो हमदर्द बनकर मशवरा दीजिए कि आसिफ के होने के बाद भी इस दिल से नदीम का नाम क्यों नहीं मिट जाता। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? जानती हो, लोग मुझे गुनाहगार ठहराएंगे, समाना मुझे गुस्ताख कहेगा, मैं हर इल्जाम उठा लूंगी, मगर आप मुंसिफ बनकर फैसला कीजिए, मैं इस दिल का क्या करूं? मैं नादान हूं, मगर आप तो समझदार हैं। क्या कहती है आपकी अक्ल, क्या कहता है आपका तजर्बा? मैं थक गई हूं अब्बाजान, आंसू छुपाती हूं तो दम घुटने लगता है, होठों पर हंसी लाती हूं तो दिल चीख उठता है, बोलना चाहूं तो रिवायत का भरम टूटता है और चुप रहूं तो जिंदगी तल्ख बन जाती है। अब आप ही बताइए पत्थर बनकर कैसे जीऊं? इलाज बताइए या सजा दीजिए। तुमने नदीम की मोहब्बत को अभी तक दिल में छुपा रखा है। और जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करती है अब्बाजान, शादी तो हालात से एक तरह का समझौता होता है कि जिंदगी की इमारत न गिर पड़े। बेटी, काश मुझे वक्त पर इख्तियार होता तो मैं इसे उलट कर रख देता, तुम्हारी जिंदगी के सुफों को नए अंदाज से तरतीब देता, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे दिल की तरह मैं भी मजबूर हूं। अरे ये तू आवाज सुन के कहां है? क्या बात? अजीब बात है राजा, आवाज तो मैंने अपने ही दिल की सुनी थी, लेकिन गाने वाली कोई गैर निकली है। इस पेस का काम तो तकरीबन खत्म हो गया, लेकिन सर एक ये लंच टाइम बेहतर, मैं लंच के बाद आ जाऊँ। तुम मेरे साथ खाना खा लेना, घर से खाना आया हुआ है, लंच बॉक्स उठाओ, मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। रहे थे भूले बिसरे नगमे, आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे गुलोकार के नगमे सुना रहे हैं जो एक सितारे की तरह उभरा और न जाने किन अंधेरों में डूब गया। धूली हुई दास्तां गुजरा हुआ। अरे भाई रेडियो क्यों बंद कर दिया? ये तो नदीम का गाना था, बड़ा अजीम फनकार है। नदीम अगर अजीम फनकार होता तो इस तरह अंधेरों में न डूब जाता। तुम तो नदीम के मुतालिक इस तरह गुफ्तगू कर रहे हो जैसे तुम नदीम हो। अच्छा आपको नहीं, मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैं सोच रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मगर तुम इस रूप में यहाँ, बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं प्यार की जबान में गीत गाकर ये समझता रहा कि सोसाइटी में मेरा भी कोई मकाम है, लेकिन जब भी भरम टूट गया तो मैंने इस फन से अपने सारे रिश्ते तोड़ डाले। हमारे मुआशरे में अक्सर फनकारों को दुखी मिलते हैं। खैर, तुम्हारे यहाँ आने से मेरी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई। कैसी मुश्किल? कल मेरी शादी की पहली सालगिरह है, सोच रहा था क्या किया जाए, अब तुम उस तकरीब में गाना सुना दोगे तो बात बन जाएगी। माफ कीजिएगा आसिफ साहब, मैं नहीं गा सकूंगा। देखो भाई नदीम, मैं समझता हूँ तुम पर थोड़ा सा मेरा भी है, इसलिए तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। कल ठीक 7 बजे
अपुन गवार सही जायज सही, पर तू तो समझदार है ना। देख इंजीनियर साहब ने तेरे को कितनी इज्जत से बुलाया। अगर अपुन को कोई इतने प्यार से बुलाता तो अपुन सर के बल चले जाते। इतना ही शौक है तो चला जाए ना। अरे फर्ज कर मैं वहाँ चला भी गया और ये फर्ज करके वहाँ गा भी लिया। अगर वहाँ के मोहल्ले वाले ये पूछे कि ये झगड़ा कौन कर रहा था तो इसका जिम्मेदार कौन होगा भाई। ए माँ समझा ले अपने बेटे को। चले जाओ बेटा नदी, कोई अगर इतनी मोहब्बत से बुलाता है तो इनकार नहीं करना चाहिए। ये देख मेरा दोस्त भी तेरे साथ जाएगा। इसे वही रहने दे राजा, तेरे इस दोस्त ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, इसका मेरा गुजारा नहीं होगा। तुम ये क्या कह रहे हो बेटा? गाना तो एक फन है जो इंसान को अमर बना देता है, इस फन से मुंह न मोड़, तुझे मेरी कसम है। तेरे माँ को माँ की कसम मत दे। अरे ये दुनिया बड़ी जालिम है, इसको माँ की कसम का कोई ख्याल नहीं है। माँ जी आपने माँ की कसम देकर मजबूर कर दिया है, अब तो मुझे गाना ही पड़ेगा। जिंदाबाद, तूने मेरी माँ की बात मान ली है, अपन इस खुशी पे तेरे को एक तोहफा देते हैं। ये देख इसको मेरी माँ ने मेरी शादी के वास्ते सिलवाया था, पर खुदा मालूम वो मौका कब आएगा। यार तू एक काम कर, इसको तू पहन के चला जा, खुदा कसम शहजादा दिखेगा शहजादा। अच्छा ला। हाँ पर ठहर, मैं तेरे को इसको स्त्री करवा के देता हूँ। माँ जरा स्त्री गर्म कर दे। अब हमारी डैम पे कभी तशरीफ लाए फिर आपको अंदाजा होगा। आओ भाई आओ, आधा घंटे से लोग तुम्हारा गाना सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आसिफ साहब ये खुशी का मौका है और मेरे पास तो गम के नगमों के सिवा कुछ भी नहीं। अरे भाई गाना सुनने से मतलब है, कुछ भी गा दो। चलो चलो तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से जिधर जाओगे तुम कभी नगमा बनके कभी बनके आंसू, कभी नगमा बनके कभी बनके आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से चैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निकाहों में छाएगा गम का अंधेरा,
किसी ने जो पूछा सब वासुओं का बताना भी चाहो बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर से अरे तुम रो रही हो जी नहीं तो बड़ा छोटा दिल है तुम्हारा आओ चलो तुम्हें नदीम से मिलवाओ आओ भाई नदीम हम तो तुम्हारी दर्द भरी आवाज के कायल हो गए देखो ना तुम्हारा गाना सुन के हमारी बेगम साहिबा रो पड़ी चलिए आज इतना तो हुआ कि किसी की आंख में आंसू आए साहब मुझे इजाजत दीजिए अरे सुनिए तो भी मेरे राजा की तरह जिद्दी है थोड़ी देर रुक जा मैं अभी राजा को बुला के लाती हूँ कहीं जाने की तैयारी कर रही हो शायद हाँ नहीं इतनी जल्दी चले जाओगे तमाशा भी नहीं देखोगे मेरी बेबसी का अभी तो तुमने सिर्फ आग लगाई है घर नहीं जलाया बदगुमानियों को हवा दी है नफरत का जहर नहीं फैलाया अपनी नाकाम आरज़ू का इंतकाम लेने आए हो तो कुछ दिन और ठहरो नदीम अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा तुम गलत समझ रही हो नाहिद तो फिर उन बड़े बड़े दावों का मतलब क्या है जो कल तुम भरी महफिल में कर रहे थे दिल की फरियाद गीत बनकर होंठों पर आ गई थी अगर मुझे इल्म होता कि उस घर या महफिल से तुम्हारा भी कोई ताल्लुक है तो यकीन मानना मैं वहां कभी ना आता इसे इत्तफाक कहकर तुम मेरे यकीन को नहीं झुटला सकते नदीम मैं जानती हूँ तुम अपने मोहब्बत के दावों को सच्चा साबित करने यहाँ आए हो मुझ पर इल्जाम लगाकर मेरे शोहर को बदगुमान करना चाहते हो दावे करने आया हूँ इल्जाम लगाने आया हूँ आग लगाने आया हूँ क्या किया है मैंने नाहिद क्या कह दिया है मैंने तुम्हारे शोहर से नहीं कहा तो अब जाकर कह दो कि नाहिद मेरी मोहब्बत थी वो मेरे प्यार का दम भरती थी जो दी में आए कह दो मगर ये ना भूलना कि इस तरह तुम मेरे शोहर को बदगुमान तो कर सकते हो लेकिन वो बंधन नहीं तोड़ सकते जो मजहब ने बांधा है वो रिश्ता खत्म नहीं कर सकते जो समाज ने कायम किया है याद रखो मैं एक मशरकी औरत हूँ और मशरकी औरत अपने शोहर को मजाज खुदा समझती है नाहिद उस नाहिद को भूल जाओ नदीम जिसने कभी तुम्हें चाहा था अब मैं किसी और की अमानत हूँ किसी और की अमानत अरे ये साहब की बेगम साहब तेरे ऊपर क्यों नाराज हो रही थी ठीक ही नाराज हो रही थी राजा मेरा जुर्म ही ऐसा है मैं हालात और तकदीर के हाथों में खिलौना बनकर रह गया अपने गमों से पनाह लेने के लिए यहाँ आया था तो ये दुनिया भी नाहिद की दुनिया निकली मुझे अपने आप से नफरत हो गई है राजा जी चाहता है दूर बहुत दूर चला जाऊं तू ठीक बोलता नदीम तू इधर से चला जा इधर मैं बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली कैसी मुसीबत अरे वो शेरू है ना उसने आसिफ साहब के खून करने का प्रोग्राम बनाया क्या कह रहा है राजा मैं ठीक बोल रहा हूँ नदीम मैं अपने कानों से सुन के आया तेरी जान की कसम परसों की जा रहा है नाहिद का सुहाग खतरे में मुझे जाने दे राजा मैं तुझे उधर नहीं जान लूंगा तेरे में बहुत खतरा है छोड़ राजा अब ये दुनिया बड़ी सालिम है बस तू इतना कर दे फिर मैं रोलर चलाकर उसे यही दफन कर दूंगा ठीक है उस्ताद मगर जरा होशियारी से तू फिक्र न कर एक मर्तबा तू उसे यहाँ ले तो आ मैं उसे यहाँ जरूर लाऊंगा उस्ताद
बस में जो कुछ था वो मैंने कर दिया। ये तू क्या बोलता डॉक्टर, तेरा मतलब है मेरा यार नदीम अंधा हो गया, ये कभी नहीं देख सकेगा डॉक्टर? नहीं ये बात नहीं, इनको शहर ले जाकर किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, बहुत मुमकिन है इनकी बिनाई वापस आ जाए। अभी ये दुनिया बड़ी जालिम है, मैंने तेरे को मना किया था गुदर में बहुत खतरा है, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। आखिर उस साहब के मेम साहब में तेरे को क्या नजर आ गया? वो तो तेरे को डांटती है और तूने उसके वास्ते अपनी जान मुसीबत में डाली। अरे मैं अभी जाकर उसको बता दूं ताकि उसको भी पता लगे। ठहर राजा, अगर तुझे मेरी दोस्ती का कुछ भी ख्याल है तो इंजीनियर साहब की बीवी से कुछ ना कहना, उसे यही समझने दे कि किसी गुमनाम मजदूर ने उसके शौहर की जान बचाई। यूं भी मैंने अरशद और नासिर को तार दे दिए हैं, वो आ जाए तो मैं यहां से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। डॉक्टर, मैं आसिफ साहब से मिलना चाहती हूँ। मैंने उन्हें मारफिया का इंजेक्शन दिया है, इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। सुनिए, और वो मजदूर कहाँ है जिसने मेरे शोहर की जान बचाई है? मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सामने वाले कमरे में। थैंक यू डॉक्टर। तुमने मेरे शोहर की जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुम्हारे इलाज के सारे अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे, और हमने तुम्हें इनाम देने का भी फैसला किया है। क्या इनाम मुकर्रर किया है तुमने मेरे लिए? 1000, 2000 या इससे भी ज्यादा? माफ करना नदीम, मैं तुम्हें पहचान न सकी थी। ये कोई नई बात तो नहीं, तुमने मुझे पहचानने में हमेशा धोखा खाया है। नहीं, तुम ठीक कहते हो नदीम, मैंने जिंदगी भर तुम्हें गम के सिवा कुछ नहीं दिया, यहां तक कि तुम पर इल्जाम भी लगाए, फिर भी तुमने मेरे शोहर की जान बचाई। मैंने क्या किया, सिर्फ दिल की आवाज के साथ ही तो दिया है, और अगर ऐसा ना करता तो तुम्हारा सुहाग लुट जाता है, और उसके साथ तुम्हें हमेशा खुश देखने की आंसू भी। मुझे माफ कर देना नदीम, मैं इसके सिवा कुछ नहीं कह सकती। तुम भी मुझे माफ कर देना नाही, इतनी खता जरूर है कि कोशिश के बावजूद भी मैं तुम्हारी याद अपने दिल से न मिटा सका। यकीन करना, मैंने कभी साया बनकर तुम्हारा पीछा नहीं किया, ये तो हालात थे जो न जाने किस तरह मुझे तुम्हारे सामने ले आए। जाओ नाही, आसिफ को तुम्हारी जरूरत है, खुश रहो, आबाद रहो, मैं भी इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, खुदा हाफिज नदीम। खुदा हाफिज नाही। बेटी, आसिफ तो खैरियत से है ना? जी हाँ अब्बाजान, आपकी बेटी का सुहाग सलामत है। शुक्र है खुदा का, कहाँ है वो? ठहरिए अब्बाजान, आपने ये नहीं पूछा कि वो कौन है जिसने अंधेरों में डूबकर आपकी बेटी के मुस्तकबिल को रोशनी दी? हाँ, मुझे उस शख्स का भी शुक्रिया अदा करना है। कौन है वो? रास्ते का एक बेकार पत्थर जो न जाने किस तरह मंजिलों का निशान बन गया, एक ठुकराया हुआ इंसान जिसमें न जाने इतनी अजमत कहां से आ गई। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मतलब समझना है तो जाइए, नगमों की झोली फैलाकर भीख मांगने वाले उस गवैये से मिलिए जिसने आपकी बेटी का सुहाग बचाया है। अपने दर से ठुकराए हुए उस सवाल का जवाब पढ़िए जो नदीम अपने चेहरे पर सजाकर एक बार फिर आपके सामने आ गया। नदीम? उस अंधे से पूछिए अब्बा जान, उसने आपकी नफरत का जवाब इशार से क्यों दिया? नदीम अंधा हो गया है। रुक क्यों गए अब्बा जान? मैं नदीम का मुजरिम हूं नाहिद, हालात ने उसके साथ बड़ी नाइंसाफी की है, मैं उसके पेशे में उसके किरदार की अजमत को न ढूंढ सका, अब मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा? ठहरो, तुम नदीम बाबू के पास चलो भैया,
मुझे इससे तो बात ही करनी है। कौन हो तुम और मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? तुम्हारी इन आंखों को देख रही हूँ, झूठे प्यार की ये दो झीलें जिनमें मेरा बाबू बिन सोचे डूब गया, इस सूरत को देख रही हूँ जिसकी जहर भरी मासूमियत ने मेरे बाबू को हलाक कर दिया। मगर तुम हो कौन? कभी हंसमुख शानू हुआ करती थी, अब तुम्हारे जुर्म की तस्वीर हूँ। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ा ही क्या है तुमने? मोहब्बत की झूठी पींगे बढ़ाकर बाबू को मुझसे छीन लिया, उससे भी दिल नहीं भरा तो आज उसकी वो आंखें भी छीन ली जो मेरे सच्चे प्यार से आबाद थी। क्या जवाब दूं शानू? तुमने तो खुद को मजलूम और मुझे जालिम ठहरा कर दिल की बात कहने का इख्तियार ही छीन लिया है। तुम्हारे ये बड़े बड़े अफवाज नफरत की उस आग को नहीं दबा सकते जो एक औरत ने दूसरी औरत के दिल में लगाई है। और इस आग में कौन जलकर राख हुआ है इसका अंदाजा शायद तुम न लगा सको, क्योंकि तुम जिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से चलकर आई हो वहाँ की औरत इतनी मजबूर नहीं होती। खुद को औरत कहकर इस नाम की तोहीन न करो। तुम्हारे सीने में औरत का नहीं पत्थर का दिल है जो न मेरी बेबसी पर बिखर सका और न बाबू की आंखें तेरे दिल पर। दूर हो जा शानो, अपने गम का सहारा लेकर औरत की अजमत को इल्जाम न दे। तू आंखें रखते हुए भी औरत की पहचान खो बैठी है। नाहिद को देखना है तो मेरी इन बेनूर आंखों से देख, ये तो वो औरत है शानो जिसने हालात के सामने सर झुकाकर खानदान के वकार का सर बुलंद किया है। नाहिद ने गम तुझे नहीं मुझे दिया है शानो, लेकिन जिस जज्बे की खातिर इसने ऐसा किया वो मेरी मोहब्बत से कहीं ज्यादा अजीम है। मोहब्बत में पाना आसान है शानो, खोना बहुत मुश्किल है, मगर तू तो आंखों पर नफरत की पट्टी बांध कर आई है। तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा शानू, तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। बाबू को जान से ज्यादा चाह और उसने मुझे ऐसे ठुकरा दिया जैसे जैसे मैं कोई चीज ही नहीं। मुझे आज ही मेरे बाबा के पास भेज दो, ये खुद गरज की बस्ती है, मैं यहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहती। तुमने ठीक ही कहा शानू, हम सब खुद गरज नहीं तो और क्या है। तुमने भी नदीम को चाहा और मैंने भी, मगर तुम्हारे सामने खुददारी है और मेरे सामने मजबूरियों की दीवार। मैं तो तुम्हें देखकर ये समझ रही थी कि अब नदीम की जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी, मगर तुमने मेरी ये आस भी तोड़ दी। नाहिद बहन, बहन कहा है तो बहन की बात का एहतराम करो। जाओ शानो नदीम की तरफ लौट जाओ और उसकी जिंदगी पर इस तरह छा जाओ कि उसके जहन से मेरी याद मेरा तसव्वुर भी मिट जाए। मगर तुम मेरे लिए ये एहसास क्या कम है शानो कि अब नदीम तन्हा नहीं, तुम उसके साथ हो। मैं तुम्हारे कहने से चली तो जाऊं, बाबू ने नफरत से ठुकरा दिया तो तुम नदीम के पास मेरी तमन्ना बनकर जा रही हो शानो, वो तुम्हें हरगिज नहीं ठुकराएगा। आओ। ये सब क्या हो गया नदीम? आंखें चली गई तो क्या हुआ अरशद, आवाज तो सलामत है, मेरी आवाज अब भी तुम्हारे गीतों का सहारा बन सकती है। माँ जी, माँ जी, यह है मेरा दोस्त। जी करो। चलने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली? तैयारी क्या करनी है बेटे, तूने तो हर चीज ले जाने से मना कर दिया है। ठीक ही तो है माँ जी, यहाँ की सारी यादें यहीं छोड़ जाइए, हम एक नई दुनिया बसाएंगे। ये दुनिया बड़ी जालिम है माँ जी, देखना माँ, एक यार गाता है तो दूसरा यार टूटा फूटा बजाता है। एक बड़ी मजे की बात है, तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है भाई नदीम? नहीं नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। चल माँ चल माँ, तो वो बांधे टोपली ओपली। चल चल। शानू का कुछ पता चला ना? सब जगह देख डाला, ना जाने कहाँ गायब हो। शानू मुझसे नाराज है नासिर, मेरी आंखें होती तो उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ रहा था। आंखों की तरफ से इतने मायूस ना हो नदीम, मैं डॉक्टर से पूछ चुका हूँ, शहर जाकर तुम्हारी आंखों का इलाज हो जाएगा। मुझे आंखों की नहीं शानू की फिक्र है नासिर। कौन है? मैं हूँ बाबू, शानू। मेरा दिल कहता था तू जरूर आएगी, मगर पगली तू कहाँ गायब हो गई थी? मैं तो कभी ना थी बाबू, वो नाहिद है ना नाहिद, उसने मुझे समझाया कि बाबू को तेरे सहारे की जरूरत है और मैं ढीठ बनकर चली आई तुम्हें सहारा देने। मगर तू मुझे किस तरह सहारा दे सकती है शानू, तुझे तो खुद रास्ते की चीजें नजर नहीं आती। तो फिर मैं चली जाऊं? ठहर जा, जरा माँ जी से पूछ कर देखता हूँ। माँ जी। हाँ बेटे। माँ जी, ये पगली मुझे अंधे को सहारा देने आई है, आपका क्या ख्याल है ये मेरी आंखों की रोशनी बन सकेगी? ये तेरी आंखों की रोशनी ही नहीं बेटे,
तेरे घर की रोशनी भी बन सकती है। माँ जी आपको नदीम के घर के रोशनी की बड़ी फिक्र है और वो तो मेरे घर की लालटेन लूट कर चली जाएगी। सिम्मी गुस्से की बहुत तेज है और मैं नर्वस किस्म का आदमी हूँ। तो भाई नर्वस किस्म के आदमी सोच क्या रहे हो, चलो चलो हारमोनियम ले लिया चलो। सब चले गए, तुम भी चलो ना बाबू। तुम भी चलो ना बाबू, बढ़िया है सहारा देने वाले। जब तक हाथ नहीं थामेगी चलूंगा कैसे। हाथ भी थामना पड़ेगा। क्यों, तुझे कोई इतराज है? नहीं तो, मगर बात जरा दूसरी है। अरे भाई जल्दी करो वरना जीना रहेगी तो अंदर जाएगी। क्या कहा, नदीम अस्पताल में नहीं है, बस्ती छोड़ के चला गया? ताज्जुब है, सुना तुमने नहीं? अजीब इंसान है, मेरी जान बचाई, इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका तक नहीं दिया। कुछ लोग शायद इसीलिए इस दुनिया में आते हैं कि वो दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। जिसको न तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ।